है एवरीवन दिस इज श्वेता वेलकम टू यूपीएससी वाला वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां पर हम जानने वाले हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश का क्या स्टेटस था ओके okay. तो 1947 से पहले की सारी जर्नी देखी थी uh, किस तरह ब्रिटिश इंडिया में आए इवन यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में आती है ट्रेड के पर्पज से उसमें से एक देश या ब्रिटेन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसने कैसे वन बाय वन इंडिया पर रूल करना स्टार्ट किया एक एक रीजन्स को कॉन्कर करके बंगाल है हैदराबाद हो गया फिर मैसूर है मराठा राजपुताना अवध सारे क्षेत्रों को ऑक्यूपाई किया उस पर रूल किया लगभग दो साल तक उन उस रूलिंग टाइम पीरियड में हमने क्या किया कौन कौन से हमारे मूवमेंट लेकर आए स्पेशली कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद से पूरा हमारा जो एक फ्रीडम स्ट्रगल था वो हमने डिटेल से जाना इंडिपेंडेंस वाला जो चैप्टर कंप्लीट हुआ था उसके बाद से हमने अलग से ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में आ, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या हमें परिवर्तन दिखाई दिए प्रशासन के क्षेत्र में आ, या फिर अन्य क्षेत्रों में वो सारी चीज़ें हमने अलग अलग डिस्कस कर ली थी ओके okay. ये जो चैप्टर है या फिर ये बोल सकते हैं कि मॉडर्न का ये जो लास्ट के दो चैप्टर्स है ये बेसिकली बताता है कि आ, पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह से भारत में आ, आर्थिक विकास पर काम किया गया जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास पर काम किया गया लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं शिक्षा की सुविधाएं दी गई तो उसके लिए क्या पॉलिसीज लाई गई थी किस तरह से उसका एग्जीक्यूशन किया गया था देखो डेवलपिंग कंट्री है धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है लेकिन इनिशिएट कैसे किया गया वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि आप कनेक्ट कर पाए जैसे आज हम बोलते हैं ना कि ये चीज ऐसे डेवलप हो गई है यहाँ पर ये तो उसका बेस फाउंडेशन तो यही पड़ा था ना इंडिपेंडेंस के बाद नाइनटीन के बाद तो वो सारी चीजें यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी यहां पर आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही फॉर्म में टेस्ट लाया गया है फुल एंड मॉक टेस्ट है तो आप लोग जो भी बच्चे इस साल एग्जाम में हो रहे हैं प्लीज फुल मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा ताकि आपको एक थोड़ा आइडिया मिल जाए कि दो घंटे का पेपर जब आप देने बैठ रहे हैं जीएस पेपर वन फिर दोबारा सेकंड शिफ्ट में देंगे जीएस पेपर टू तो एक एक एग्जाम हॉल का प्रेशर वो सारी चीजें थोड़ा आपको आइडिया लग जाता है और थोड़ा जब पेपर दे ले तो इन क्वेश्चन को जरूर एनालिसिस करिएगा जो भी इनमें क्वेश्चन आएंगे उनको जाकर अपने नोट्स जो बनाएंगे उनसे एक बार रिविजन जरूर लीजिएगा ठीक है ये इनकी डेट्स है कुछ हो चुके हैं कुछ अभी पेंडिंग है ऑनलाइन

संसदीय व्यवस्था है ना विश्व के जितने भी देश हैं लगभग दो तरह की हमें व्यवस्थाएं दिखाई देती है एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया ने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर संसदीय व्यवस्था तो हमारी जो संसद या फिर बोल सकते हैं हमारी विधायिका लेजिस्लेचर एक होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशियरी ये तीन ही ऑर्गन्स है ओके तो हमारे यहाँ पर जुडिशरी तो पूरी इंडिपेंडेंट है लेकिन जो हमारी कार्यपालिका है या फिर एग्जीक्यूटिव

स्टेट को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन है ये यह यहां पर ये यह लोगों को रिप्रेजेंट करता है तो लोकसभा के चुनाव में जैसे इस बार लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं इस चुनाव में जिस भी पार्टी को में सीट मिलती है उस पार्टी को जिसको में सीट मिल रही है नहीं मिल रही है तो दो पार्टी या तीन पार्टी गठबंधन भी बना सकते हैं तो मेजोरिटी में जिनके पास सीट होते हैं वो जिस भी व्यक्ति को अपना लीडर बोलते हैं नेता बोलते हैं उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं ओके तो ये प्राइम मिनिस्टर कोई आम

हमारे पास पार्लियामेंट है और ना ही हम ये डायरेक्ट इलेक्शन करा सकते थे उस समय आजादी के तुरंत बाद तो ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये कब बनती है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है 1950 में 26 जनवरी उसके बाद से प्रोसेस किया जाता है 1951 -52 के हुए और नाइनटीन फिफ्टी वन फिफ्टी के जनरल इलेक्शन के बाद हमारा ये सिस्टम लाया गया तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं तो नेहरू जी का जो एक टाइम पीरियड था ना वो काफी लंबा रहा यहाँ पर बताया गया 1947 से 64 तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 19 फोर्टी से लेकर 1951-52 का जो जनरल इलेक्शन था तब तक तो ये इस रूप में काम कर रहे थे कि डायरेक्ट इन्हें अपॉइंट किया गया था ये प्रोसेस नहीं था 52 के इलेक्शन के बाद मैंने बोला कि सेंटर में और जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर था हर जगह कांग्रेस को मेजोरिटी में सीट मिली हर जगह कांग्रेस की सरकार बनी तो जब कांग्रेस की सरकार उनके लीडर कौन बने हुए थे नेहरू जी बने हुए थे तो प्रधानमंत्री बने तो एक इनका कार्यकाल दूसरा कार्यकाल तीसरा कार्यकाल इनका चल रहा था तीसरे कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो जाती है उसको ये पूरा नहीं कर पाते हैं तो ये जो टाइम है ना, 47 से 64 एक वो टाइम पीरियड है जब इंडिया में हर एक चीज का फाउंडेशन रखा जा रहा था तो उसमें नो no डाउट इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो एक पर्सनैलिटी जिसके पास पावर है ऐसा तो नहीं हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी अकेले पावर नहीं था लेकिन फिर भी उस उस इंडिविजुअल के विचारधारा का बहुत इंपैक्ट पड़ता है तो यहां पर इसी वजह से इस चैप्टर का नाम राइटर बोल रहा है नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत कि इनका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा था उस समय की पॉलिसीज़ पर इनके जो आइडियाज़ थे उनका बहुत इंपैक्ट पड़ा था उन पॉलिसीज़ पर एक होता है ना आइडियोलॉजी एक इंडिविजुअल की क्या विचारधारा है उसका इस पर प्रभाव पड़ता है तो फोर्टी से सिक्सटी तक की जर्नी यहाँ पर बताई गई है मैं जो आज की क्लास है इसमें नेहरू जी का एक दूसरा रोल था इंडिया की फॉरन पॉलिसी को एक आधार देने में वो थोड़ा सा मैं होल्ड पर डालूँ उसको हम कल वाले सॉरी मंडे जो लेक्चर आएगा उसमें कवर कर लेंगे ठीक है अभी थोड़ा सा हम जानेंगे कि हमारे भारत में आजादी के बाद क्या अर्थव्यवस्था पर काम किया गया और इकोनॉमी के क्या बेसिकली तीन सेक्टर्स हम देखते हैं ना जनरली एक तो हो गया आपका एग्रीकल्चर दूसरा हो गया सर्विस तीसरा हो गया इंडस्ट्री तो इन तीनों क्षेत्रों में किस तरह से काम किया गया क्या डेवलपमेंट का प्रोसेस अपनाया गया प्लानिंग कमीशन के बारे में ये सब कुछ यहाँ पर बताया तो थोड़ा सा हम मैं आपको कनेक्ट करा दूंगी बिखराव है चैप्टर में लेकिन फिर भी हम कनेक्ट कर लेंगे ठीक है ध्यान रखिएगा इधर क्या बोल रहा है नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात भारत की राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे नो डाउट प्रधानमंत्री थे इनके जो भी विचार होंगे उनका बहुत प्रभाव पड़ेगा ठीक है तो आ, इसके बारे में बताया कि जो चीजें अब आप देखेंगे ना वो नेहरू की विचारधारा से प्रभावित नेहरू की खुद की क्या विचारधारा थी ये थोड़े से सोशलिस्ट नेचर के थे यानी समाजवादी विचारधारा की तरफ इनका झुकाव हमें दिखाई देता है समाजवादी विचारधारा क्या थी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ जहां पर एक एक ऐसी विचारधारा सामने आती है कि देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय देना है जस्टिस जस्टिस मतलब वो वाली जस्टिस नहीं जो कोर्ट देती है न्याय का मतलब क्या होता है ना कि समान के साथ समान व्यवहार करना और असमान के साथ असमान व्यवहार करना जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है दो लाख रुपए महीना सैलरी उठा रहा है और कोई एक पर्सन है जो तीस हजार रुपए महीना उठा रहा है अब दो लाख वालों से अच्छा खासा इनकम टैक्स लिया जा रहा है ठीक है कि भैया तुम्हारे इनकम पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इतना कमा रहे हो तो इतना हिस्सा सरकार को दे दो और एक जो व्यक्ति है है कमा रहा है, उससे एक रुपये भी नहीं लिया जा रहा है ऊपर से उसको अलग अलग प्रकार की सब्सिडीज भी मिल रही है तो ये पर्सन बोल सकता है ना राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल तो भाई मुझे इक्वालिटी का राइट क्यों नहीं मिल रहा है मुझसे अकेले क्यों लिया जा रहा है ये जो मेरे पैसे से सड़क बन रहा है रोड बन रहा है रेलवे बन रहा है इसका यूज तो ये व्यक्ति भी करता है तो यहाँ सोशलिस्ट विचारधारा क्या बोलती है वो ये बोलता है कि समान के साथ समान व्यवहार करना अगर जितने लोग दो लोग दो

है ऐसे लोग जो पिछड़ गए हैं क्योंकि इंडिया की उस समय जब हमें इंडिपेंडेंस मिलता है तो अराउंड एटी टू एसेंट पॉपुलेशन कैसी थी एग्रीकल्चर बेस्ड था हमारा से जनसंख्या रहती थी गांव में रहती थी और कृषि आधारित थी मतलब तो उनका जो इकॉनमी का सोर्स था वो एग्रीकल्चर था और कृषि की हालत बहुत खराब थी ना इरिगेशन फैसिलिटी ना फर्टिलाइजर तो बहुत सारे वो जो फार्मर्स थे वो क्राइसिस से गुजर रहे थे ओके तो ये सारी चीजें वहां पर चल रही थी तो अब क्या था समाजवादी विचारधारा के तहत कि उन सभी लोग जो कि थोड़े से पिछड़ गए नीचे रह गए इनको ऊपर उठाना अब इनको ऊपर उठाने के लिए हम हमारे पास दो आइडियोलॉजी थी एक तो था कि हम डिमांड सप्लाई जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी उसको अडॉप्ट कर ले ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में वो चलता है उसमें क्या प्रॉब्लम था डिमांड सप्लाई जितनी जिसकी औकात है उतना वो खरीद सकता है जितनी जिसकी औकात के हिसाब से वो खरीदेगा उसके हिसाब से डिमांड जनरेट होगी और उस हिसाब से प्रोडक्शन होगा इसमें में क्या होता है ना कि जो व्यक्ति अमीर है वो और अमीर होता जाता है जो गरीब है वो गरीब होता जाता है इक्वालिटी यहाँ पर है लेकिन थोड़ा सा ये जो गैप है ना ये बढ़ता है ठीक है अब ये ऐसे देश के लिए तो अच्छा है जहाँ पर गैप है ही नहीं या फिर बहुत कम है या नीचे में बहुत कम रेशियो दिखाई दे रहा है हमारे जैसे देश के लिए अच्छा नहीं था पंद्रह पॉपुलेशन यहाँ पर है पिचासी जनसंख्या यहाँ पर है और अगर ये गैप बढ़ रहा है तो आप देखो ना ग्रोथ किसका हो रहा है फिफ्टीन परसेंट एटी पॉपुलेशन नीचे जा रहा है जो हमारे इकोनमी के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता था तो हमने कौन सा अडॉप्ट किया आइडियोलॉजी क्योंकि नेहरू की खुद विचारधारा समाजवादी थी तो काफी ज्यादा हमारा झुकाव समाजवादी विचारधारा की तरफ़ तो जो बोलता है कि सरकार कुछ चीजों पर सार्वजनिक रूप से नियंत्रण करेगी और सरकार उसे अपने नियंत्रण में के लोगों को वो वो सुविधाएं मुफ्त में देगी या फिर कम उससे पैसा लेके वो सुविधाएं देगी जैसे आज आपने देखा ना सरकारी हॉस्पिटल सरकारी स्कूल्स हो गए रेलवे हो गया क्या है सरकारी स्कूल में जाओ पचास रुपए फीस देकर पढ़ो फ्री में अब वो आ, क्या बोलते हैं मिड डे मील वाला कंसेप्ट भी लाया गया तो ये सब क्या है सरकार ऐसा क्यों करे क्यों क्योंकि हम थोड़े से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ झुके हैं हालांकि नाइनटीन के बाद से थोड़ा सा चेंज आया है हम प्राइवेटाइजेशन हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तो ओवरऑल जो मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पर इसी की बात कर रहा है किसकी कि नेहरू जी का ये टाइम पीरियड था वो प्रधानमंत्री बने हुए थे तो अब देखोगे ना इनके ये विचारधारा है तो थोड़ा सा झुकाव ना इसी तरफ होगा ज्यादा चीजें सरकार अपने नियंत्रण में रखेगी प्राइवेट को मना नहीं करती है मतलब हमने एक तरफ नहीं झुके हम दो, दोनों विचारधाराओं को लेकर चलेंगे तो हमारे देश में सार्वजनिक और निजी दोनों को महत्व दिया गया क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है ना तो लोगों को भी अधिकार होना चाहिए वहां पर अपना रोल प्ले करने का अगर कोई ज्यादा कैपेबल है ज्यादा किसी के अंदर काबिलियत है तो उसकी ग्रोथ तो होनी चाहिए ना उसको ये रोक नहीं सकती ना सरकार कि नहीं भाई सबको हमको इक्वली रखना है तो कैसे सार्वजनिक और निजी को साथ लेकर चलना है वो यहाँ पर हमें दिखाया गया है ठीक है तो यही बोलता है राइटर उन्होंने 1947 में भारत के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 तक भारत का शासन संभाला था एक लंबा टाइम पीरियड हमें इनका दिखाई देता है ठीक है इनके प्रधानमंत्रित्व काल में भारत में निर्णयों के समस्त पहलुओं पर नेहरू के प्रभाव देखे जा सकते हैं और इस वजह से इस टाइम पीरियड को नेहरू युग कहा जाता है ऐसा ही बुक में लिखा हुआ है कि ये जो टाइम पीरियड है इसमें नेहरू की विचारधारा बहुत रिफ्लेक्ट होती है इस वजह से नेहरू युग कहा जाता है होता है ना कि जो इंडिविजुअल पर्सन है जब उसकी विचारधारा उन सारी पॉलिसीज में दिखने लगती कहीं ना कहीं तो उस टाइम पीरियड को क्या बोल दिया उसके नाम से डिफाइन कर दिया नेहरू युग बोल दिया ठीक है आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा ठीक है थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप का ज्यादा फैक्ट वैक्ट नहीं है थोड़ा एक बार समझ लो बहुत हेल्प होगा मेन्स वेंस में लिखने में ठीक है आर्थिक विकास हेतु नियोजन की अवधारणा अब हमारा हमें आज़ादी मिली फिर आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हो जाता है ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी तो हमारी प्लानिंग क्या होगी हमारी प्लानिंग होगी हमारे देश को किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त करना है अब आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए आपको कुछ प्लानिंग्स लानी पड़ेगी ना क्योंकि भाई आप अपने घर में भी देखते हो अगर कोई गरीब है या किसी के पास पैसे का क्राइसिस है या वैसे भी जनरली अच्छा भी कमा रहे तो लोग एक प्लानिंग तो रखते हैं ना कि हमारा इतना सैलरी आ रहा है इतना हमको खाने पर खर्च करना है इतना घूमने पर खर्च करना है इतना हमको सेविंग रखना है इतना हमें हेल्थ के लिए अलग से सिक्योर करना है इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तो बेसिकली क्या है है वो वो एक प्लानिंग प्लानिंग लेकिन लेकिन हम फैमिली के लेवल पर कर रहे हैं, छोटे पर छोटे स्तर अब हमारे हमारे देश देश को को आजादी मिली थी हमारे देश को भी हमें इकोनॉमिक रूप से डेवलप करना था लेकिन उसके लिए हमको प्लानिंग चाहिए होगा एग्जीक्यूशन करेंगे लागू करेंगे आर्थिक विकास हेतु नियोजन की अवधारणा

किया मैं यहाँ पर नहीं बता सकती चैप्टर लंबा खींचेगा तो आप प्रीवियस लेक्चर जाकर देखिए ठीक है फिर उसके बाद से जो एटीन सेंचुरी में वेस्टर्न कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही थी औद्योगिकरण आ रहा था भारत में वो आ ही नहीं पाया तो भारत में जो पुराने उद्योग चल रहे थे हस्त हस्तकरगा उद्योग वो तो खत्म कर दिया गया जो नए उद्योग थे उनका कहीं ना कहीं नए उद्योगों का फाउंडेशन भी नहीं पड़ा न्यू भी नहीं पड़ी जो इक्का दुक्का हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर वहां पर थोड़ा सा मौका मिला था तो छोटे मोटे उद्योग पनप गए थे सीमेंट कागज उद्योग या कोई और छोटे बहुत छोटे स्तर पर उद्योग हमें पनपते हुए दिखाई देते तो बेसिकली यहाँ पर ये यह बोल रहे हैं कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिले था तो हमारे देश का पूरा इकोनॉमिक स्टेटस क्या था सीमित औद्योगिकरण मतलब उद्योग भारत में नहीं थे और जो भी थे बहुत लिमिटेड थे ठीक है निम्न कृषि उत्पादन कि हमारा इकॉनमी तो पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड था लेकिन नहीं थी। आपने बहुत बड़े क्षेत्र में खेती करके भी प्रोडक्शन करेंगे लेकिन उसमें लगे दस दस लोग लग एक लोगों के पास काम ही नहीं है तो दस दस लोग मिलकर खेती कर रहे हैं तो आप जरा देखिए ना कि आपका इनपुट कितना जा रहा है और आउटपुट कितना निकल कर आ रहा है चार लोगों की खेती आठ लोग फालतू में कर रहा है यानी चार लोगों का लेबर फालतू का जा रहा है वो कुछ और प्रोडक्शन कर सकता था दूसरा वो बड़ी जमीन पे खेती करके आप प्रोडक्शन बढ़ा ले रहे हो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी है कि आपने एक एकड़ खेत है उसमें दस क्विंटल उग रहा है और एक है एक एकड़ खेत वहां पे पंद्रह एकड़ उग रहा है सॉरी पंद्रह क्विंटल उग रहा है कोई अनाज तो इसका मतलब क्या हो गया प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है इसकी है ना मतलब एरिया उतना ही प्रोडक्शन बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई लेकिन भारत में हम देख रहे थे क्योंकि ब्रिटिश इरीगेशन फैसिलिटी नहीं दे रहे थे फर्टिलाइजर पर कोई सब्सिडी नहीं थी और लगातार लोगों से ज्यादा से ज्यादा लगान ले रहे थे तो लोग खुद भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे कि हम अपनी फार्मिंग को थोड़ा सा अच्छा कर सके नहीं कर पाते थे तो ना टेक्नोलॉजी थी ना कुछ था तो हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो दिन पे दिन गिर रही थी और कृषि पे दबाव बढ़ रहा था यानी जो लोग उद्योग में थे शहरों में थे जब उनके उद्योग छिन गए शहर में उनका कोई काम नहीं बचा तो वो लोग भी गांव में आ गए गांव में आ गए तो खेती की जमीन और बट रही है छोटी खेती हो गई लेकिन खेती करने के लिए तो आपको सारे संसाधन तो उतने चाहिए ना ठीक है तो वो सारी चीजें यहां पर हमें आजादी में मिला और क्या मिलता है अल्प प्रति व्यक्ति आए अगर पर कैपिटल इनकम देखें तो वो बहुत कम था मतलब एक जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है उसे भी बहुत डाउन था जैसे मैंने बोला आपको ना कि एक ही घर में एक खेती में चार लोग वो काम कर सकते हैं आठ लोग लगा हुआ है तो मान लो अगर चार लोग मिलकर दस क्विंटल अनाज उपजा सकते हैं अब आठ लोग मिलकर उसमें फालतू में दस क्विंटल में लगा हुआ है तो आप देखो ना पर पर्सन क्या आउटपुट निकल कर आ रहा है उसको ही बोल देंगे ना पर कैपिटा इनकम तो पर कैपिटा इनकम बहुत कम था ठीक है मंद आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत स्लो ग्रोथ था ग्रोथ क्या होगा मतलब एक तो ये सारी चीजें थी ना इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर का हाल बुरा था ऊपर से कभी आ, अकाल पड़ जाता था कभी सूखा पड़ जाता था तो वो सारी चीजें थी जिसे हम फेस कर रहे थे अशिक्षा थी हमारी एजुकेशन पर ब्रिटिश ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया आप बोलोगे पहले तो आपने पढ़ाया था कि एजुकेशन 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 सिस्टम ब्रिटिश उसी लेवल पर लाए थे जितना उनके लिए काम आ सके ठीक है तो वो सिर्फ अपने लिए क्लर्क तैयार करना चाहते थे भारत में और उसी लेवल के उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पर काम किया ठीक है और वो भी ग्राउंड लेवल पर नहीं था जो मिडिल क्लास लोग थे उनको ही वो ज्यादा शिक्षा मिली थी ठीक है संकीर्णता मतलब एक सोच ऑर्थोडॉक्स टाइप की उस समय थी लोग किस चीज में लगे हुए थे पर्दा प्रथा है बाल विवाह है मतलब महिला एक अगर आपकी पॉपुलेशन का 50% परसेंट है और विमेन का ही हाल बुरा है तो सोचो ना आपने अपनी आधी आबादी को तो विकलांग करके रख दिया है मतलब आप उसको बिल्कुल ऐसा बना दे रहे हो पर्दे में आपको रहना है आपको क्या बोलते हैं छोटे में बचपन में बच्ची का विवाह कर देना है बचपन में विवाह होने से उसको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाया उसका उस लेवल का जो एक ग्रोथ होता है मेंटल ग्रोथ वो नहीं हो पाया छोटे में वो बच्चा पैदा हो रहा है उसका फिजिकली वो और वीक होते जा रही है फिर सती प्रथा जैसी तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो क्यों था क्योंकि समाज हमारा संकीर्ण था जात पात था छुआछूत था हालांकि जात पात का ओरिजिन कहाँ से हुआ वो सब हमने देखा था हमारे शास्त्र वगैरह में ऐसा कुछ था नहीं वो धीरे 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 समाज ने अपने अपने हिसाब से उसको बनाया तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है ना ग्रोथ

बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने रिफॉर्म किया लेकिन फिर भी संकीर्ण बना हुआ था सामाजिक असमानता जैसे तत्व सोशल इनिकवालिटी दिखाई देती है जैसे मैंने बोला समाज में ऊंच नीच दिखाई देती है इवन आज तो बहुत सारे ऐसे एक्ट ला दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर सेवेंटीन जो अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है छुआछूत दंडनीय अपराध है तो लोग थोड़ा सा डर के रहते हैं अच्छा छुआछूत अगर हमने करा तो फिर हमें पनिशमेंट मिल सकता है और थोड़ा सा क्या हो गया कि सब लोग बाहर निकल रहे पढ़ रहे अब मुझे लगता है कि जो हमारे जनरेशन के लोग हैं उनके लिए बहुत

दो भागों में तोड़ा गया तोड़ा गया पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान और जो भारत भी था उसमें भी 552 रियासतें थी प्रिंसली स्टेट्स थे उन सबको मिलाना है, एक तो एक वो यूनिटी वाला फैक्टर दूसरा देश के अंदर क्या दिखाई दे रहा है ये सारी चीजें आप सोचिए किस स्तर पर हमें देश मिला था ठीक है विकास के चार लक्ष्य अब इनको ध्यान में रखते हुए हम हमारे जो भी जो उस समय की गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि हम हमें इन चार चीज़ों पर काम करना है ये जो चार चीजें ये हमारे लक्ष्य होने चाहिए वो चार चीज कौन कौन से आयात और विदेशी सहायता पर निर्भरता में कमी जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम जिन चीजों का इम्पोर्ट करें इवन हम अपने खाद्यान्न के लिए भी पूरी तरह से एक सेकेंड हम खाद्यान्न के लिए भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं थे यानी जो हमारे फूड ग्रेन थे सफिशियंट इंडिया में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था वो भी हमें आयात करना पड़ जा रहा था उसके कुछ रीजंस थे वो हम बैकग्राउंड में पढ़कर आए हैं तो हमने चार लक्ष्य रखे उसमें पहला लक्ष्य था कि हमको इंडिपेंडेंट होना है आयात इंपोर्ट कम से कम करना है ठीक है इंपोर्ट कम होगा तो उससे क्या होगा कि जैसे अब भारत में कोई किसान है वो अनाज पैदा कर रहा है और बाहर भी अनाज पैदा हो रहा है बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में नई टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट वो हेल्प दे रही है सब्सिडी अलग फॉर्म में तो उसका कॉस्ट कम हो जा रहा है कॉस्ट कम है तो वो प्राइस भी कम लेगा मार्केट में बोलेगा कि हां भैया मैं दो रुपए का सामान है तीन में बेच दे रहा हूं लेकिन इंडिया में भी ये टेक्नोलॉजी नहीं थी गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं थी कि बड़े लेवल पर सब्सिडीज प्रोवाइड करा सके अब ये दो रुपए का पैदा नहीं इसका कॉस्ट ही ज्यादा है इसकी पैदा ही चार रुपए की हो रही है तो ये पांच का बेचेगा तो ऐसे में अगर दूसरी कंट्रीज का सामान इंपोर्ट होकर इंडिया में आ रहा है तो हमारे इंडिया के जो फार्मर्स हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाएगा और वो शुरू ही नहीं होंगे निपट जाएंगे तो इसलिए क्या था कि हमें जल्दी से जल्दी आयात को कम करना है आयात को कम करने के लिए वही मेडियम इंडिया वाला कंसेप्ट बोलकर नहीं लाया गया लेकिन किया कि देश में ही ज्यादा से ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन किया जाए विदेशी सहायता में निर्भरता पर कमी जितनी आप विदेशी सहायता लोगे, उतनी ज़्यादा आपकी फॉरेन पॉलिसी प्रभावित होती है है ना अब अपने पड़ोसी से रोज सहायता ले रहे हो तो पड़ोसी आपके घर में आके इंटरफेयर कर सकते हैं ना किसी चीज़ को लेकर कि भैया मैं तो हेल्प कर रहा हूँ तुम अगर मेरे से मुंह ज्यादा बनाओगे मेरी बात नहीं मानोगे तो कल से मेरे पास मदद के लिए मत आना तो ये बहुत जरूरी होता है हमने सोचा कि ये पहले हमें कवर करना जरूरी होगा ठीक है पूंजी निर्माण और संसाधनों का प्रसार जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम अपनी पूंजी का निर्माण करें है ना संसाधनों का प्रसार करें जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको और ज़्यादा हमें एक्सपैंड करना चाहिए उनका यूज़ करना चाहिए सामाजिक और क्षेत्रीय असमानता का उन्मूलन जो लोगों के बीच में क्षेत्रीय असमानता है उसको दूर करना बहुत जरूरी है क्षेत्रीय असमानता अगर दूर नहीं होती तो देश टूट जाता है मतलब ये बोलेगा कि मैं मैं महाराष्ट्र का हूँ मैं गुजरात का हूँ डेफिनेटली आप अपने क्षेत्र से जुड़े होते हैं लेकिन जब महाराष्ट्र और गुजराती दोनों मिले तो वो एक भावना आनी चाहिए कि हम एक देश के हैं तो वो जो क्षेत्रीय असमानता थी भारत में जो भारत वाला नहीं था हालांकि फ्रीडम जब जब सॉरी नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो कहीं ना कहीं लोग के अंदर यूनिटी वो आ चुकी थी फिर भी अब जो यूनिटी थी वो अलग लेवल पर डेवलप करना था तो उस क्षेत्रीय असमानता को दूर करना और जन सामान्य के लिए पर्याप्त और न्यूनतम जीवन स्तर की उपलब्ध थी ये सबसे इंपॉर्टेंट था उनका टारगेट कि कैसे एक बेसिक लाइफस्टाइल उनको दिया जा सके कि एक नॉर्मल बेसिक लाइफस्टाइल क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से जो आपको एक शुद्ध हवा मिले और आ, क्या बोलते हैं रहने की साफ सुथरी सी जगह होनी चाहिए स्वच्छता होनी चाहिए साफ़ वायु में सांस ले सको तीन टाइम भोजन मिल सके बेसिक एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज ये सब प्रोवाइड कर सके काम के लिए सही अवस्था मिले है ना अब गटर में घुस के काम कर रहे हैं और एक आपको कि भाई उस तकनीकी को दे दिया जाए जिससे कि एक ऐसा काम नहीं हो जो अमानवीय लगे तो ये सारी चीजें भी हमारे टारगेट में थी तो बेसिकली ये चार चीज़ें सरकार ने डिसाइड किया कि हमको ये चार उद्देश्य हैं इस पर इनिशियली काम करना है ठीक है पूंजीवादी व्यवस्था में व्याप्त असमानता और साम्यवादी शासन निरंकुशता से भारतीय नेतृत्व को तीसरे रास्ते पर लेकर चला गया ठीक है किताब में ऐसा लिख रहा है तो मैं डायरेक्ट लाइन टू लाइन पढ़ दी थी देखो पूंजीवादी व्यवस्था मैं आपको बता चुकी हूँ मांग और सॉरी डिमांड और सप्लाई पर आधारित यानी कि कितना डिमांड हो रहा है उसके हिसाब से ही उत्पादन होगा ठीक है तो इस चीज़ पे सप्लाई पूरा किस पे डिमांड पे ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में चल रहा था उसमें क्या होता है कि वो उन कंट्रीज़ में तो अच्छा है जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है या फिर वहां के लोग जो है एक लेवल तक पहुंच चुके हैं हमारे जैसे देश में जहाँ एटी पॉपुलेशन अभी बीपीएल पी एल वाले कैटेगरी है या फिर लोअर मिडिल क्लास में उसके लिए ये अच्छा नहीं था ठीक है दूसरी तरफ साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो हमें यूएसएसआर में दिखाई दे रही है अभी आप रशिया की बात करो टूट के जो सेपरेट हुआ है तो वहां पर क्या है साम्यवादी अर्थव्यवस्था वो साम्यवाद इस लेवल का कि भाई चाहे Uh, कोई व्यक्ति दो लाख कमाए चाहे दो हजार कमाए सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा मतलब सरकार ने सारी चीजों पर बराबर नियंत्रण कर लिया आप चाहे ज्यादा स्किल्ड हो या कम हो सबको बराबर से टमाटर गेहूं सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होगा अब इसमें क्या होता है ना ग्रोथ रुकती है किसी इंडिविजुअल जो ज्यादा कैपेबल है उसकी ग्रोथ रुकेगी ना क्यों मेहनत करोगे आपको भी बराबर ही सारी चीजें मिलेंगी जो ज्यादा काम करे और कम काम करे तो आपके अंदर वो आएगा पुश फैक्टर आएगा नहीं आएगा तो एग्जेक्टली यहां पर भी यही था कि हमें क्या आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करा है तो भारत एक तीसरे रास्ते पर निकल गया और वह भारतीय नेतृत्व का तीसरा था क्या था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक नियोजन लागू करने का निर्णय क्या हम हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इस इसको अपनाया कि भाई निजी का होना जरूरी है कि एक व्यक्ति ग्रोथ कर सके ठीक है जो लायक है और साथ-साथ में साम्यवादी शासन में से हमने समाजवाद वाले फैक्टर को उठाया कि हमें समाज में जो लोग पिछड़े हैं उनको सरकार मदद करके आगे ले जाएगी तो हमने जिस व्यवस्था को अपनाया उसको बोला है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियोजन मतलब सरकार अपनी तरफ से क्या काम करने वाली है जिससे जो पिछड़े हैं उनको पुश किया जाए और जो ऑलरेडी कैपेबल है किसी भी लेवल पर ग्राउंड लेवल पर अपर लेवल पर वो अपने हिसाब से अपनी ग्रोथ को आगे ले जा सके ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं अब जैसे ब्रेड बनाने का काम प्राइवेट सेक्टर भी मतलब आपको क्या बताऊँ मैं जब हमें आजादी मिली थी इकॉनमी के क्लास इलेवन के एनसीआरटी पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था तो ऐसा हल हो गया था कि सार्वजनिक सरकार ने इतना नियंत्रण करा था काफ़ी लेवल पर हमने भी सार्वजनिक जो है सरकार ने नियंत्रण कर रखा था कई चीज़ों पे जैसे ब्रेड तक अगर सरकार बना रही है सारी चीज़ें सरकार बना रही है और बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इक्वल कम प्राइस पर प्रोवाइड कराएंगे इक्वलिटी हमें लाना है तो अब ऐसी चीज़ में क्या होगा सरकार का काम बहुत बढ़ जाएगा और एक ऐसी चीज़ ब्रेड बनाने पे जो निजी क्षेत्र का व्यक्ति भी कर सकता है और ब्रेड कितने का होगा दस रुपये का होगा तुम आठ में बेच दोगे तो वो एक नॉर्मल जो पर्सन है ना वो दो रुपए का जो डिफरेंस है उसको अब सहन कर सकता है अब हॉस्पिटल का लो खर्चा देखो अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जो बारह सौ रुपये ओ का ले रहा है सरकारी में जो पचास रुपये ले रहा है यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और ये एक बेसिक फैसिलिटी है तो यहाँ पर सरकार का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है अब सरकार ब्रेड बिस्किट जैम ये सारी चीजें बनाने लग जाएगी तो प्रॉब्लम है ना तो इसलिए निजी का साथ में रहना जरूरी है कि निजी क्षेत्र कुछ चीजों पर अपना काम करे और जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है किसी व्यक्ति के विकास के लिए देश के विकास के के लोगों विकास लिए उस पर सरकार इनिशियली अपना नियंत्रण कर सकती है ठीक है तो हमने बीच का रास्ता अपनाया यही वाला जो मैं आपको बता रही हूँ नियोजन संबंधित प्रारंभिक प्रयास ठीक है हम बोल रहे हैं कि जो अभी सरकार नियोजन करेगी यानी कुछ चीजों को अपने नियंत्रण में सरकार रख लेगी तो वो सरकार नियंत्रण में 1950 के बाद जो रखती है कहीं से तो आइडिया आया होगा क्या पहली बार नाइनटीन में हमें ये आइडिया आ गया कि सरकार चीजों को अपने नियंत्रण में रखेगी कुछ पर्टिकुलर विषय कुछ पर्टिकुलर काम को अपने नियंत्रण में रखेगी और लोगों को वो कम रुपए में या कम कीमत देकर उसकी सुविधा प्रोवाइड कराएगी तो एकदम से तो ये आइडिया ना कुछ बैकग्राउंड में चल रहा था यहाँ पर ये बता रहा है कि 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था जो हमारे नेशनल मूवमेंट में लीडर्स थे ये सारी चीजें कर रहे थे कि हमें आजादी मिलेगी तो हमको ये करना है ऐसा करना है तो प्लानिंग ऑलरेडी चल रहा था तो so, 1938 में इसी तरह का एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष नेहरू बने थे जिसने रिपोर्ट में बोला कि हमें क्या करना चाहिए मूलभूत उद्योगों के सार्वजनिक स्वामित्व की बात की ऐसे उद्योग जो बेसिक हैं इंफ्रा से जुड़े हुए हैं उन उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए ठीक है ऐसे बहुत सारे उद्योग हो सकते हैं तो जो बेसिक हमारे मूलभूत उद्योग है जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गए सीमेंट उद्योग हो गया या कुछ और ऐसे उद्योग हो गए उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए ठीक है आर्विक ऊर्जा से रिलेटेड हो गए ताकि सर... कोई और व्यक्ति ने अगर इन पर नियंत्रण कर लिया और ये बेसिक उद्योग है तो अगर किसी निजी क्षेत्र का इस पर नियंत्रण हो गया और वो इस पर नियंत्रण करने के बाद से अपने हिसाब से कीमत निर्धारित करने लगेगी तो एक जो व्यक्ति थोड़ा सा निर्धन है वो इसका प्रयोग नहीं कर सकता और इससे उसकी ग्रोथ रुक सकती है तो इस वजह से जो मूलभूत उद्योग है ना जो अन्य उद्योगों का आधार बनते हैं ठीक है अन्य उद्योगों के जो आधार बनते हैं ऐसे मूलभूत उद्योगों पर सरकार को अपना नियंत्रण करना चाहिए ऐसा 1938 की इस कमेटी ने रिकमेंड किया था ठीक है बड़े लघु के मध्य समन्वय यानी जो बड़े उद्योग है और लघु उद्योग है इनके बीच में एक तरीके का कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो समन्वय स्थापित होना चाहिए क्षतिपूर्ति देकर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन इस कमेटी ने ये भी बोला कि जो जमींदारी प्रथा लैंडलॉर्ड सिस्टम इंडिया में आया था देखो लैंडलॉर्ड सिस्टम इंडिया में पहले भी एग्जिस्ट करता था लेकिन जो ब्रिटिश ने कांड किया था लैंडलॉर्ड सिस्टम में वो बहुत गड़बड़ था कैसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भारत में पहले भी जमींदारी व्यवस्था थी लोग जो होते थे किसान वो अपने जमीन के मालिक होते थे और जमींदार जो होता था वो बिचौलिया होता था उससे उस जमींदार जमींदार जो है वो उससे उसकी जमीन पर लगान वसूल करके अब जो भी उसके महाराजा या शासक या सरकार होते थे उनको देता था उसका कुछ हिस्सा उसको भी मिलता था अपना सर्विस देने के बदले में ठीक है अब ब्रिटिश जब रूल करते थे उन्होंने क्या कर रखा था जमींदारों को ही जमीन का मालिक बना दिया कि जो जमींदार है अब उसको जिस भी जमीन की जमींदारी दी जाएगी एक्चुअली वो उसका मालिक हो जाएगा तो एक ऐसा पर्सन जो उस जमीन पे पांच पुश्तों से खेती कर रहा है अचानक से उसकी जमीन ही उसके हाथ से निकल गया वो वहां पे क्या बन के रह गया केवल एक किसान रह गया आप समझ पा रहे एक ऐसा किसान जो उसका मालिक नहीं है जमीन का वहां पर वो खेती हर, केवल खेती केवल करने तक सीमित रह गया आप समझ पा रहे हो और जब भी वो लगान देने में असमर्थ होगा उसे उसकी जमीन से बाहर कर दिया जाएगा लेकिन ये क्योंकि हमें पता था ऐसा हुआ है इस वजह से इस कमेटी ने रिकमेंड किया था आजादी के पहले जो ये इंटरनली कांग्रेस कर रही थी कि देखो जैसे हमें आजादी मिलेगी हमें क्या करना है कि जो भी ऐसे लैंडलॉर्ड्स बने पड़े हैं बड़े बड़े जमीनों के कई कई गांव के उन्हें कुछ क्षतिपूर्ति दे दिया जाएगा कुछ पैसा दे दिया जाएगा और पूरी की पूरी जमीन जो है सरकार अपने नियंत्रण में ले लेगी और जमींदारी प्रथा को उन्मूलन करके जो लोग वहां पर एक्चुअल मूल हैं जो वहां के एक्चुअल किसान हैं उनको उस जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाएगा ठीक है सहकारी खेती का विकास यहां पर यह भी कंसेप्ट आया था सहकारी खेती की जाएगी ठीक है यानी सार्वजनिक रूप से मिलके पूरे गांव के गांव लोग खेती कर रहे हैं इसमें क्या होता है थोड़ा सा प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि संयुक्त रूप से लोगों का एफर्ट होता है इनपुट जो है या कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है ना यानी कि

राज्य के एग्जिस्ट करने पे या फिर वो थोड़ा सा खिलाफ थे कि सरकार के हाथ में नहीं वो चाहते थे कि पंचायतों के हाथ में चीजें होनी चाहिए यानी कि लोगों पर शासन करने के लिए कोई राज्य ना हो लोग खुद ही अपना शासन संभाले और लोग खुद अपना शासन कैसे पंचायतों के स्तर पे कि उसमें उनका कहना था कि जो गैप होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है जैसे अभी मान लीजिए आपके घर में पानी नहीं आ रहा है अब आप जाके प्रधानमंत्री को तो नहीं बताने वाले हो या अपने राज्य के किसी सीएम को या फिर मिनिस्टर को किसी को आप इन्फॉर्म कर मतलब ही नहीं बनता है उनके पीए तक से आप नहीं मिल सकते तो वो गैप बढ़ जाता है तो उनका कहना था कि इस गैप की वजह से लीकेज जो, आ, क्या बोलते हैं, आपका पंचायती पानी नहीं आ रहा है जाओ सरपंच क्या आप पहुंच पाओगे एकदम से पहुंच जाओगे आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा तो जो गांधीवादी मॉडल थी उसकी बात रहे थे जयप्रकाश नारायण की किसानों को सशक्त करना चाहिए या फिर ग्राउंड लेवल पर ही लोगों को अपना शासन खुद करना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था के तरीके से ओके 1944 में बम्बई योजना लाई गई थी बम्बई योजना में किसका रोल था तो इसमें आठ बड़े उद्योगपति थे जिन्होंने आर्थिक विकास का एक प्रॉपर प्लान पेश किया था कि हम इंडिपेंडेंस बाद हमको क्या प्लान रखना चाहिए किस तरह से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए हमारा प्लान क्या होना चाहिए तो देखो हर तरह के आइडियाज आ रहे हैं यहाँ पे गांधीवादी मॉडल जो किसानों की बात कर रहा है यहाँ पर उद्योगपति है जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करेगा तो हर फैक्टर्स मिल रहे हैं और जब आजादी के बाद हमारा प्लान जो लाया जाएगा ना डेवलपमेंट का तो उन पर इन सब का थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट होगा जो अभी हम डिस्कस करेंगे ठीक है श्री मन नारायण ने गांधीवादी योजना से मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का दावा किया कि जो गांधीवादी योजना है ना अगर हम इस मॉडल को एग्जीक्यूट करते हैं तो लोगों की जो बेसिक फैसिलिटी है वो उनको कम से कम मिलने लग जाएगा तो इस तरह से लोग अपने अपने हिसाब से किसी ना किसी मॉडल को सपोर्ट कर रहे थे एम एन रॉय ने जनता योजना पेश किया जिसमें सरकारी खेती और भूमि राष्ट्रीयकरण पर बल दिया कि भूमि का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए सारी की सारी जमीन सरकार की हो जानी चाहिए और फिर लोगों को उस पर खेती करने के लिए दिया जाना चाहिए कि भैया ये जो जमीन है सरकारी जमीन है आपको केवल इस पर खेती करनी इस तरह से देखो ये मॉडल कितना सक्सेसफुल होता नहीं होता इंडिया के लिए वो टफ था लेकिन हाँ यूएसएसआर में जरूर ये मॉडल था जो डेफिनेटली सक्सेसफुल नहीं हुआ था तो ये चीजें ना थोड़ी सी टफ हो जाती है एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करती है जो एग्जिस्ट करना थोड़ा सा टफ होता है ठीक है तो ये बैकग्राउंड चल रहा है इसको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं बस दो चार चीजें दिमाग में रखो कि अभी नाइनटीन के बाद जो प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट करेगा प्लान लाएगा फाइव ईयर प्लान जिसे हम कहते हैं अभी प्लानिंग कमीशन कन्वर्ट हो गया नीति आयोग में तो बेसिकली उसका बैकग्राउंड कहां से बन रहा था बैकग्राउंड बन रहा था 1938, 44 अलग अलग तरीके से लोग अपने प्लान पेश कर रहे थे उसमें फार्मर्स का भी रोल था उसमें

उस देश के लिए एक प्लान पेश करना वो प्लान पॉजिटिव भी जा सकता है नेगेटिव भी जा सकता है तो उसके लिए एक अलग से कमीशन बनाने की जरूरत थी कुछ लोग हैं जिनका काम ही यही होना चाहिए प्रॉपर उस पर आर एन डी करे और उसके बाद से पॉलिसीज की बात करें या फिर अपनी रिकमेंडेशन दे जिस पर लॉन्ग टर्म काम किया जाए ओके और प्लान भी ऐसा हो कि अब वो लोग की खेती में सुधार करना है लोगों को फ्री में फर्टिलाइजर बांटने हैं वो एक दिन का तो काम है नहीं तो ये प्लान लाना और प्लान के एग्जीक्यूशन करना एग्जीक्यूशन के बाद उसका रिजल्ट देखना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा तो इंडिया के लिए था कि जो हम प्लान लेकर आएंगे उसके लिए ड्यूरेशन अच्छा खासा होना चाहिए और ये जो है वो यूएसएसआर से प्रभावित था वहां पर इस तरह से प्लान लाकर सरकार थालिटी uh, लाने की कोशिश या डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रही थी तो यहां पर बोल रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल जो हमारा सेंट्रल का कैबिनेट मिनिस्टर था उसने प्रस्ताव पास किया अभी ये कैसे बना है ये वही डायरेक्ट बना दिया गया अभी इलेक्शन विलेक्शन हुआ नहीं है और उन्हें पचास में इसने प्रस्ताव पारित करके क्या बनाया योजना आयोग बनाया तो अब यहां पर ना ना ये थोड़ा सा हाईलाइट कर रही मैं इसलिए क्योंकि ध्यान रख रहे जो हमारा प्लानिंग कमीशन बना था न, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है प्लानिंग कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा था कि ये संवैधानिक निकाय है और इसको ऐसे ऐसे बनेंगे इतने मेंबर्स होंगे ऐसा कुछ नहीं तो प्लानिंग कमीशन कमीशन ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही लेजिस्लेटिव बॉडी है यानी ना ये वैधानिक आयोग है ना संवैधानिक आयोग है ना तो इसे कानून पारित करके बनाया गया ना संविधान ने इसकी व्यवस्था की बल्कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा यानी जो हमारी एग्जीक्यूटिव है उसने एक प्रस्ताव पारित करके एक कमीशन का फॉर्मेशन किया नाइनटीन में जिसको प्लानिंग कमीशन कहा गया जो एक परामर्शदात्री संस्था थी कि ये एक एडवाइजरी कमेटी के रूप में काम करेगी या एडवाइस करेगी कि मेरे हिसाब से इंडिया का ये स्टेटस है और हम ये प्लान

सु रिकमेंडेशन पर फाइनल मुहर कौन लगा रहा था ये राष्ट्रीय विकास परिषद तो ये दो ऐसे निकाय हैं जो हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली थी ओके okay, चलो आगे बढ़ जाते हैं नियोजन के सामाजिक आर्थिक उद्देश्य आप प्लानिंग कमीशन जो है बेसिकली किस पर काम कर रही थी कि भैया हमको क्या-क्या चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है पहले तो आप बोलोगे ना कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है क्या हम प्लान बनाने वाले हैं उस प्लान के लिए हमको उद्देश्य निर्धारित करना रहे ना फॉर एग्जांपल आपको सिविल सर्वेंट बनना, बनना है आपको आई ऑफिसर बनना है या किसी और रैंक को आपको चाहिए कोई और डेजिग्नेशन चाहिए तो उसके लिए पहले आपको ऑब्जेक्टिव तो और पता होना चाहिए ना आपको बनना क्या है उसके बाद से जाके आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो घर में आठ आठ घंटे पढ़ रहे हो थोड़ा सा रिश्तेदारों से दूर रह रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म को इग्नोर तो बेसिकली क्या आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर है फिर आप उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपना एक रूटीन सेट कर रहे हो ऐसे ही उद्देश्य क्या था पहले वो उद्देश्य बनाया जाएगा ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाएंगे इन्हें पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के रूप में वर्णित किया प्रारूप बेसिकली होता है ड्राफ्ट ढांचा कि आप फाइव ईयर प्लान लेकर आओगे जो हमारी प्लानिंग कमीशन और जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट कमीशन है उसमें मुहर लगाएगा लेकिन फाइव ईयर प्लान का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सबसे पहले तो वो ऑब्जेक्टिव लिखे गए कि इसको उद्देश्य इस, इस उद्देश्य को सॉरी इस उद्देश्य को आ, पूरा करने के लिए हम प्लान को ला रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव्स पहले यहां पर डिसाइड किए गए ये ऑब्जेक्टिव को बोल रहा है ड्राफ्ट ये एक ढांचा है कि उसको पाना है उसको पाने के लिए जो जो रास्ते तुम ला सकते हो वो सारे रास्ते तुम चलो ओके तो यहां पर ये सारी पूरी लिस्ट दी है अभी इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है देख लो दो चार देखना है तो आधारभूत औद्योगिक संरचना हमको स्थापित करना है कृषि उत्पादन में वृद्धि राष्ट्रीय संपदा में वृद्धि आत्मनिर्भरता बेरोजगारी को दूर करना है गरीबी दूर करना है सामाजिक न्याय इक्वल स्टेटस ये जो सोशली गैप बना हुआ है ऊंच नीच का उसको हटाना है बीमारी निरीक्षण

तो पंचवर्षीय योजनाओं में हम तीन पंचवर्षीय योजना को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं इलेवन क्लास की एन में पढ़ोगे बहुत डिटेल से बताया प्लीज़ इकॉमिक की सॉरी इलेवन क्लास की इकनॉमिक की एन पढ़िएगा वहां पर आपको ये सारी चीज़ें बहुत सुंदर तरीके से मिल जाएंगी इस किताब में उतने अच्छे से नहीं बताए क्योंकि हिस्ट्री का है ना ये तो इकोनॉमिक्स काम काम भर का बता रखा है वहां पर डिटेल से बता रखा है तो जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था कब से नाइनटीन में प्लानिंग कमीशन बना उसने अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए राष्ट्रीय विकास परिषद ने उस पर अपना मुहर लगाया और फाइनली जाके पॉलिसीज लाई जाएंगी और उसको फाइव ईयर के लिए एग्जीक्यूट करना है ठीक है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी 1951 में कब तक चलने वाली थी 1956 से सेकंड फाइव ईयर प्लान 56 से 61 थर्ड फाइव ईयर प्लान 1961 से 66 इसको रटने का क्या है पांच-पांच साल के लिए आ रहा है ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है 1951 से स्टार्ट हो रहा है अब ये फाइव ईयर प्लान में ना आपका फोकस किस चीज पर है ये थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा एक सेकंड ठीक okay. है चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट यहां पर क्या बोल रहा है कि ओके फाइव ईयर प्लान जो है फाइव ईयर प्लान में हो सकता है ना कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में आपको लगे कि मुझे सबसे पहले इन चीजों पर फोकस करना चाहिए सेकंड फाइव ईयर प्लान में लगे मुझे इन चीजों पर फोकस करना चाहिए बेसिकली क्या होता है कि फाइव ईयर प्लान में थोड़ा सा हमें चेंजेस दिखाई देते हैं जैसे आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो तो होगा ना कि पहले हमें किन चीजों पर फोकस करना है पहले हमें बेसिक ये ये प्रॉब्लम्स है इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए जब ये प्रॉब्लम सेटल हो जाएंगी फिर हमें दूसरा स्टेप चलना है फिर ये प्रॉब्लम सेटल होंगे फिर तीसरा स्टेप चलना तो ऐसे ही फाइव ईयर प्लान में क्या किस चीज पर फोकस किया जा रहा है फर्स्ट फाइव ईयर प्लान फर्स्ट जो फाइव ईयर प्लान था उसमें शरणार्थी पुनर्वास ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ये क्या कंसेप्ट है हमारे देश को आजादी मिली थी लेकिन आजादी इतनी आसान नहीं मिली थी जो मिली थी आजादी आजादी के बाद असली घटनाएं चालू हुई थी क्या कि पार्टीशन हुआ था ये रहा पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश बना ये रहा आपका पश्चिमी पाकिस्तान ओके तो ये जो पाकिस्तान वाला हिस्सा था ये वो तो बोल रहा है कि भाई हम मुसलमानों के लिए अलग से वो कर रहे हैं लेकिन भारत तो आधारित देश नहीं था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाति धर्म सब लोग एक साथ रह रहे हैं तो भारत या पाकिस्तान दोनों को दोनों ने अलाउ किया कि उस देश के लोग भी इस देश में आ सकते हैं इस देश के लोग भी उस देश में जा सकते हैं जिसको जहां सेटल होना है फाइनल कर लो क्योंकि एक बार बाउंड्री क्लोज हो गई उसके बाद से ये प्रोसेस नहीं होगा कि जिधर जाने का मन है उधर आप जा सकते हो तो यहाँ पर यही था कि वहाँ के लोग यहाँ मूव करके आ रहे थे वहां के लोग यहाँ मूव करके आ रहे हैं अगर वहां के लोग का मतलब क्या वो भी भारत ही था ना पहले अब उधर से अगर लोग इधर मूव करके आ रहे तो प्रॉब्लम क्या था प्रॉब्लम ये था कि वो अपना घर संपत्ति मतलब जो भी मूवेबल है वो तो ला सकता है आप जेवर पैसा ला सकते हो लेकिन जो मूव नहीं किया जा सकता या अचल संपत्ति है जमीन थोड़ी आप आग... उठा के ला सकते हो नहीं ला सकते घर थोड़ी उठा के ला सकते हो तब आप सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आ रहे हो तो अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो क्या था कि शरणार्थियों का पुनर्वास ये जो शरणार्थी वहां पर अपना सारा घर बार छोड़कर आए हैं भारत में इनको यहाँ पे वापस से सेटल तो करना होगा उनको नॉर्मल लाइफ तो देना होगा ना तो पहले फोकस क्या इस पर भी तो आपका फंडिंग लगेगा अच्छा खासा पैसा पॉलिसी सब कुछ लगाना पड़ेगा ना कि कहाँ पर इनको जगह दी जाए जमीन दी जाए क्या आर्थिक रूप से सहायता दी जाए जिससे ये अपने वापस से उसी जीवन में जा सके जो नॉर्मल लाइफ होता है तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में फोकस था किस पर शरणार्थी पुनर्वास पर दूसरा खाद्य आत्मनिर्भरता ये हमारा फोकस था कि जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए हम खाद्य सामग्री में अपने आप पर निर्भर हो जाए जैसे गेहूं है अब हम दूसरे देश से खरीद के मंगवा रहे हैं मेक्सिको या कहीं और से या कोई और अनाज है फूड ग्रेन है उसको हम कहीं और से मंगा रहे सर टाइम लगेगा भी तो आ, उसको हम किसी और देश से मंगा रहे हैं तो अब उसमें क्या प्रॉब्लम है कि उस देश से आपको रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे और कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हो सकता है ना कि आप कोई एक ऐसा देश जो अपना अनाज पर ही आत्मनिर्भर नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ना कल को सिचुएशन खराब हो सकती है ऐसे देश के लिए वो भी भारत जैसा देश जिसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो इसलिए हमारा दूसरा टारगेट क्या था फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में कि आत्म रूप सॉरी खाद्य आत्मनिर्भरता जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमें फूड ग्रेन का इतना प्रोडक्शन करना है कि हम सरप्लस में चले जाए और ऐसा हुआ भी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आप सभी ने सुना होगा इतने हम इंडिपेंडेंट हो गए कि हम एक्सपोर्ट करने लगे अच्छी क्वांटिटी में मुद्रा स्फीति नियंत्रण भारत में बहुत ज्यादा महंगाई थी उसका रीजन पता है आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से एकदम से आप किस तरह से जो महंगाई है वो बढ़ जा रही है और उसके बाद से इंडिपेंडेंस है पार्टीशन है लगातार हिंसा हो रही है कॉम्यूनल जो आप देखते हैं वायलेंस वो सब चल रहा था तो इन सारी चीजों में क्या होगा कि थोड़ा सा सप्लाई कम हो जाता है सप्लाई हो गई ना कम लड़ाई झगड़ा हो रहा है मारकूट हो तो रहा है दुकानें बंद है सामान नहीं मिलेगा तो क्या होगा डिमांड तो उतनी है लोग खाएंगे ना बेसिक तो आप खाओगे ना गेहूं चावल ये सारी चीज़ तो चाहिए आपको तो जो बेसिक चीज आपको चाहिए उसके लिए दुकान नहीं खुली है या कॉम्यूनल वायलेंस हो रहा है लोग अपना प्रोडक्शन बंद करके फैक्ट्री रखे हुए हैं तो जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन है उसका डिमांड तो पूरा है लेकिन प्रोडक्शन कम है तो क्या महंगाई बढ़ जाएगी और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैजस्ट एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ तो इनिशियली जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था उस फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में सिर्फ हमारा फोकस यही था कि हमको क्या करना है हमको करना है जो ये बेचारे शरणार्थी हैं भारत में आए हैं इन सब लोगों को सेटल करना है भारत के एक हिस्से से मूव कर कर आए ठीक है खाद्य आत्मनिर्भरता पर काम करना है और जो देश में इतनी महंगाई है इसको कम करना है ताकि लोग जो है बेसिक एक अपनी लाइफ जी सके ठीक है इसमें कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते थे इनिशियली क्या ही कर पाते दूसरा सेकंड फाइव ईयर प्लान अब सेकंड ईयर सेकंड फाइव ईयर प्लान में इन्होंने थोड़ा दूसरी चीज़ों पर फोकस करना पर, कर, करना चालू किया कि अब हम अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे बूस्ट करना चालू करते हैं तो भारी और मूलभूत उद्योगों के विकास और विस्तार को प्राथमिकता दी गई सेकेंड फाइव ईयर प्लान में हम थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर फोकस करें किस पर सॉरी किस पर फोकस कर रहे हैं जो मूलभूत उद्योग होते हैं ठीक है जैसे लोहा इस्पात उद्योग अब लोहा इस्पात उद्योग जो है इसको आप मूलभूत उद्योग बोलेंगे क्योंकि ये लोहा जो है लोहा इस्पात ये दूसरे उद्योगों में काम आ रहा है ना कहीं पे इससे बर्तन बन रहा है कहीं पे कोई और चीज बन रही है आप समझ पा रहे हैं सरिया है, कुछ और बन रहा है तो बेसिकली जो लोह इस्पात है ना ये दूसरे उद्योगों के लिए इनसे ही मशीनें बन रहे हैं उनके लिए क्या है मूलभूत है एक ऐसा उद्योग जिससे जो प्रोडक्शन निकल रहा है उससे दूसरे उद्योगों का ये रॉ मटेरियल है तो इसको बोलते हैं मूलभूत उद्योग तो हमारे लिए अब जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान था इसका ऑब्जेक्टिव था कि भारी और मूलभूत उद्योगों का विकास करना इसका विस्तार करना लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा इसमें तो हम काफी हद तक सक्सेसफुल हो गए थे ये इतना सक्सेसफुल

ने का लक्ष्य रखा गया और ग्रीन रिवॉल्यूशन हमें चालू होते हुए दिखाई देता है हरित क्रांति डेफिनेटली उसको बहुत फायदा मिलता है जहां पर हरित क्रांति में क्या किया गया था कि अच्छी क्वालिटी के बीज लाए गए थे ठीक है और आ, क्या बोलते हैं सब्सिडी पर सॉरी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी गई थी जो उर्वरक होते हैं इसको सस्ता मतलब सरकार बोल रही है कि भाई मार्केट में जो जितनी भी फर्टिलाइजर कंपनी है वो तो फर्टिलाइजर उतने का ही बेचेंगी ना सरकार बोल रहा है कि लो भाई ये जो फर्टिलाइजर है पांच सौ रुपए का है तुम बेचो दो सौ रुपए का बाकी तीन सौ रुपए सरकार इसका खर्चा उठाएगी आप समझ रहे हैं? तो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देना डिफरेंट टाइप की इरीगेशन फैसिलिटी बनाना बहुत सारे इस समय पर कैनाल्स बनाए जाते, बना जाते, बना जाते हैं नहर बनाए जाते हैं डैम बनाए जाते हैं ठीक है और उन उनका प्रयोग किया जा रहा था किसानों को सिंचाई सिंचाई संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने में तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है कि एकदम से ग्रीन रिवॉल्यूशन थे जो फर्स्ट फेज़ था ग्रीन रिवॉल्यूशन का उससे एकदम से भारत में जो फूड ग्रेन्स थे उनका प्रोडक्शन बढ़ा स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ पर इसका डेफिनेटली बहुत फायदा मिला सेकेंड जो फेज़ लाया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन का वहाँ पर यह देखा गया कि कुछ ही भारत के क्षेत्र ग्रीन uh, रिवॉल्यूशन uh, में अच्छे से uh, अपने आप को स्ट्रेंथन कर पाए हैं तो सेकंड फाइव जो सॉरी सेकंड फेज था ग्रीन रिवॉल्यूशन का उनमें यह देखा गया कि बाकी जगह पर क्या क्या रीजन रहा है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन से प्रभावित नहीं हो पाए तो उस पर काम किया गया ठीक है ताकि एक इक्वेलिटी आए ना ऐसा ना हो कि भारत के एक ही क्षेत्र में हरित क्रांति का प्रभाव दिखाई दे वहां पर प्रोडक्शन बढ़ाए बाकी जगह पर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली उसका हमें फायदा मिला लेकिन जो ये थर्ड फाइव ईयर प्लान लाया गया था ना इसका फायदा और बढ़ सकता था लेकिन भारत आजादी के कुछ ही समय बाद कुछ वॉर्स में इन्वॉल्व हो गया जैसे कि भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में नेहरू जी बोल रहे थे कि भाई दोस्ती दोस्ती चीन हमारा दोस्त है भारत चीन भाई भाई चीन ने गद्दारी कर दी तो 1962 में वॉर हो गया है ना अब उस वॉर से क्या होता है जब भी छोटा सा भी वॉर हो वॉर से क्या होता है आपका अच्छा खासा रिसोर्स उसमें लग जाता है आप पॉलिसी एग्जीक्यूशन तो छोड़िए अभी आप किस पर काम कर रहे हैं आप युद्ध लड़ रहे हैं तो सारा फोकस सारा स्ट्रेंथ सारे रिसोर्सेस कहाँ जाते हैं वहां जाते हैं उससे आपका लॉस होगा चाहे आप हारो जीतो छोड़ो हर एक देश जो वॉर में इन्वॉल्व होता है उसका लॉस होता है ठीक है उसके बाद से इधर चीजें मामला शांत हुआ ही नहीं था तब तक नाइनटीन में पाकिस्तान के साथ वॉर चालू हो गया ठीक है और उसी बीच नाइनटीन सिक्सटी में हमें भारत में भयंकर अकाल दिखाई देने दिए तो जो थर्ड फाइव ईयर प्लान था ना इस इसका उतना इम्पैक्ट नहीं आया उसका क्या रीजन था उसके कुछ ये रीजन हमें दिखाई देते हैं कि ये वॉर में इन्वॉल्व हो गया था भारत सेकंड सॉरी ये भारत चीन युद्ध हो गया भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया ये ये अकाल हमें दिखाई देते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट राइटर यहाँ पर क्या बोलता है कि इसमें जहाँ उत्पादन वृद्धि औद्योगिकरण विकास आधार संरचना विकास विज्ञान तकनीकी में सफलता शिक्षा प्रसार हुआ कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो ये थर, तीन थीन ईयर प्लान लाए गए थे ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसमें कुछ कुछ क्षेत्रों में तो हमने ओवरऑल देखो इतने बड़े लेवल का तो नहीं हमें चेंजेस दिखाई देते लेकिन हाँ छोटे स्तर पर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर हमें नो डाउट विकास दिखाई दिया जिसके बारे में पे बोल रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ा हमारा औद्योगिकरण धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि हम अपने इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे रही है सरकार आयात कम कर रही है ताकि उनकी वस्तुएं भारत में खरीदी जा सके वो कंपटीशन उनको ना मिले बेसिक उनको कुछ सब्सिडी भी दे रही है इलेक्ट्रिसिटी पर अन्य चीज़ों पर ठीक है आधार संरचना का विकास किया जा रहा है सरकार रेलवे रोड बनाने का काम कर रही है तो बेसिकली जो आधारभूत सुविधाएं हैं ये जितनी अच्छी होंगी उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भाई क्या है अगर आप किसी क्षेत्र में एक कंपनी डाल रहे हो फैक्ट्री डाल रहे हो और वहाँ से जाने आने के लिए रोड नहीं है कहीं से आप रॉ मटेरियल मंगाना है रास्ता उस लेवल का नहीं है ठीक है मार्केट में सामान बेचना है अपना गांव के दूर दराज तक पहुंचने के लिए आधारभूत सुविधाएं नहीं है तो आधारभूत सुविधा भी इन चीज़ों को पुश करती है तो जो ये तीन फाइव ईयर प्लान थे इसमें आधारभूत संरचनाओं का काफ़ी ठीक ठाक सा विकास हुआ वैज्ञानिक तकनीकी रूप से हमें काफ़ी सफलता मिलती है शिक्षा का प्रसार हुआ तो इन क्षेत्रों में तो हमने अच्छा काम किया ठीक ठाक सा लेकिन वहीं गरीबी में कुछ अंतर नहीं आ रहा है गरीबी बढ़ ही रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है अगर आप बोल भी दे परसेंटेज थोड़ा कम भी हो जाए लेकिन पॉपुलेशन तो उस लेवल पर नहीं है ना परसेंटेज परसेंटेज कम दिखाई दे रहा है लेकिन अगर वो परसेंटेज कम भी हो मान लो अगर पहले 25 प्रतिशत लोग गरीब थे 25 प्रतिशत के अंतर्गत 30 लोग आते थे ठीक है लेकिन अब जनसंख्या बढ़ गई 130 सॉरी 100 लोग थे 100 में से 30 गरीब थे और वो 30 गरीब हुए तो 30 परसेंट हुआ ना चलो 30 परसेंट लोग गरीब थे ये था अब एकदम से पॉपुलेशन बढ़ गई ठीक है पॉपुलेशन हो गई दो अब 200 के हिसाब से भी 35 लोग गरीब हैं लेकिन ये 35 लोग गरीब हैं देखने में तो आपको लग रहा है कि परसेंटेज परसेंटेज 200 के हिसाब से निकाल लो थोड़ा कुछ परसेंट आएगा यहाँ पे रेंज तो यहाँ पर कम हुआ है ना तीस प्रतिशत पहले गरीब था प्रतिशत वाइज तो कम हो जाएगा दो में केवल पैंतीस लोग ही गरीब हैं लेकिन अगर आप नंबर्स देखोगे नंबर्स तो बढ़ गए ना गरीब तो पांच बढ़े घटे तो नहीं है तो यहां पर ये चेंजेस दिखाई दे रहे थे कि गरीबी अगर परसेंटेज वाइज देखे तो कम हो रहा है टोटल पॉपुलेशन का लेकिन अगर नंबर वाइज देखे तो वो गड़बड़ हो रहा है मामला बढ़ रहा है असमानता बढ़ रही है बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है तो ये सारी चीजें जो थी इस पर अच्छा सा काम नहीं हुआ था ठीक है अब आ जाते हैं राज्य नियंत्रित औद्योगिकरण कि जो हमारे देश में औद्योगिकरण देखो अभी हम दो ही चीजों पर बात करने वाले यहां पे बेसिक इसने बता दिया फाइव ईयर प्लान का एग्जीक्यूशन तीन फाइव ईयर प्लान के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया और बोला कि इनके एग्जीक्यूशन के बाद से कुछ क्षेत्र में हमें सफलता मिली कुछ क्षेत्र जिसपे अभी भी सफलता नहीं मिली थी अब ये दो ही चीजों पर राइटर यहाँ पे बात करता है एक बात करता है औद्योगिकरण का दूसरा बात करता है कृषि का तो यहाँ पे पहले बात कर रहा है राज्य नियंत्रित औद्योगिकरण यानी उद्योग भी जो भारत में लगाए जा रहे थे ना कई सारे ऐसे उद्योग थे जिस पर सरकार ने खुद नियंत्रण रखा था और हमेशा नियंत्रण नहीं रखा था समय-समय पे अलग-अलग पॉलिसीज लाई गई थी औद्योगिक नीति लाई गई थी उन नीतियों में कुछ-कुछ चेंजेस किए गए थे बदलाव किया गया था जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना का अभाव था कि बेसिक जो इंफ्रा है ना वही अच्छा नहीं था तो उद्योग चलाने के लिए उद्योगों को डालने के लिए बेसिक इंफ्रा जो है आधारभूत सुविधा वो तो अच्छी होनी चाहिए ना तकनीकी विकास की निम्न स्थिति थी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी विदेशी पूंजी पर हम काफी कुछ निर्भर थे बाहर का पैसा लग रहा था उसमें घरेलू बाजार की अनुपस्थिति पूंजीगत उद्योगों का अभाव तो ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही थी कि उद्योग उद्योगपति भारत में तब पनपेंगे ना जब ये बेसिक चीजों पर ही काम करना है ये बेसिक है अगर यही नहीं है तो उद्योगों का पनपना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ठीक है उनको अच्छा मार्केट नहीं मिलेगा इंफ्रा नहीं मिलेगा आवाजाही या फिर संचार के साधन ठीक ठाक से नहीं मिलेंगे उनको आ, आ, क्या बोलते हैं दूसरे देशों से फंडिंग मिल रही है तो कहीं ना कहीं अलग अलग नॉर्म्स होंगे उसको उनको फॉलो करना पड़ेगा जो पूंजीगत उद्योग होते हैं जो ऐसे लौह इस्पात जैसे उद्योग वो भारत में अच्छे से नहीं तो इनको रॉ मटेरियल कहीं और से उठाकर पड़ रहा है उससे भी उनका इनपुट या कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा तो ये बेसिक चीजें हमारे देश में आजादी के बाद नहीं थी ठीक है 1938 की राष्ट्रीय योजना समिति और 1944 की बंबई योजना ने नियोजन सॉरी बंबई योजना में नियोजन और राज्य नियंत्रण की आवश्यकता को स्वीकार किया मैंने आपको बोला था कि आजादी के पहले बैकग्राउंड बन रहा था प्लानिंग का कि कैसे आजादी के बाद हमको देश के लिए पॉलिसीज बनाना है और उस पॉलिसी में हम इन चीजों को ध्यान रख सकते हैं तो कई सारे पूंजीपति थे जो अपनी प्लानिंग पेश कर रहे थे अपनी योजना रख रहे थे तो यहाँ पर यह बोल रहा है कि जो नाइनटीन की राष्ट्रीय योजना समिति थी फोर्टी का जो बंबई कमेटी था लोगों ने बोला था कि अगर हमारे देश में उद्योगों को बढ़ाना है तो उद्योगों को बढ़ाने के लिए राज्य का नियंत्रण आवश्यक है यानी कि जो उद्योग धंधे वो राज्य नियंत्रण हो ओके राज्य के द्वारा उन उद्योगों को चलाया जाए स्टैब्लिश किया जाए उनका, उन उनका उन पर बहुत नियंत्रण होना चाहिए इस तरीके से ठीक है निजी क्षेत्र से सामाजिक कल्याण संबंधित प्राथमिकता की अपेक्षा नहीं की जा सकती यानी कि अगर आप निजी क्षेत्र के हाथ में उद्योगों को दे दे रहे हो पूरी तरह से तो वो तो डिमांड सप्लाई पर होता है ना कि मैंने प्रोडक्शन किया अगर डिमांड बढ़ जा रहा है तो मैं महंगा बेचूंगी मैंने प्रोडक्शन किया डिमांड कम है तो मैं थोड़ा सस्ता बेचूंगी तो ये ये नहीं देखेंगे ना ये लोगों के हित में करना है वो तो फायदा देखेंगे ना क्योंकि वो काम ही उस वजह से कर रहा है दिन रात कोई पूंजीपति या कोई उद्योगपति तो यहाँ पर यही था कि ये लोग बोल रहे हैं कि अगर उद्योग निजी क्षेत्र के हाथ में पूरी तरह से दे दिया जा रहा है या फिर उद्योगों को निजी क्षेत्र के हाथ में दिया है लेकिन सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं है जैसे सरकार ने बहुत सारे उनके लिए नॉर्म्स रखे थे ये करना होगा इतने पे बेचना होगा ऐसा करना होगा अगर सरकार इस तरह का नियंत्रण नहीं रखेगी तो ये लोग आम लोगों के बारे में कुछ सोचेंगे नहीं इसलिए इनकी रिकमेंडेशन थी कि निजी क्षेत्र को उद्योगों में अगर इन्वॉल्व किया जाए तो सरकार का उस पर नियंत्रण हो अदरवाइज सरकार उद्योगों को अपने अधीन रखते हुए चलाए जैसे ब्रेड बिस्किट खुद ही सब कुछ बना ले ठीक है ताकि लोगों को सस्ते से सस्ता दिलाया जा सके ठीक है और धन संकेंद्रण भी इससे नहीं होगा इनका कहना था कि अगर आ, आ, कोई निजी क्षेत्र निजी व्यक्ति के द्वारा कोई उद्योग चलाया जा रहा है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो उसी के पास जा रहा है ना तो उसके पास तो पैसा बढ़ता जाएगा अब वही उद्योग सरकार चला रही है तो जब सरकार के पास पैसा जा रहा है सरकार के पास पैसा बढ़ते जा रहा है तो सरकार सरकार का अपना पैसा मतलब धन संकेंद्रण तो नहीं है सरकार उस पैसे को किसी पॉलिसी में लगा देगी आप समझ पा रहे हैं मतलब उससे रोड बना रही है, बना रेलवे कोई और योजना चला दे है तो सरकार के पास जब पैसा आएगा तो वो लोगों के पास ही जाएगा लेकिन अगर इस व्यक्ति के पास में प्रॉफिट आ रहा है तो ये धन का संकेंद्रण होगा मतलब उसकी पुश्तैनी संपत्ति बन, बनती जाएगी ना आगे एक के बाद एक अगली जनरेशन पर जाते जाएगा आप समझ पा रहे जो ये बोलना चाह रहे ओके नेक्स्ट होके सरकार की आरंभिक नीतियों में राज्य नियंत्रण देखा जा सकता है बोल रहे कि अगर आप औद्योगिकरण की बात करें तो

तो इसलिए और लाल फिताशाही भी बहुत ज्यादा बढ़ गई जब आप ज्यादा नॉर्म्स रख देते हैं तो कई सारे ऐसे वहां पर प्रशासनिक अधिकारी या व्यक्ति बैठे रहते हैं जो बोलते हैं कि भैया तुमको अगर ये वाले से बचना है तो तुम इतना पैसा दे दो तो करप्शन भी बढ़ रहा है यहाँ से जो लाल फिताशाही वो भी बढ़ रहा है तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही जिसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था इंडस्ट सॉरी इंडस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट पर या फिर जो उद्योगपति उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उस लेवल का ग्रोथ नहीं हो पाया जितना देना चाह रहे थे उसका रीजन क्या था कि सरकार सब कुछ अपने हाथ में चाह रही थी ठीक है 1948 की औद्योगिक नीति लाई थी कौन सी इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिसी थी देखो ऐसे समय समय पर औद्योगिक नीति आ रही है और उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं कि भाई ये इतने समय में हमने ये देखा अब हमें लग रहा है ये चीज थोड़ा बदलने की आवश्यकता है तो धीरे 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 लिबरल ही होंगे नाइनटीन के बाद तो एकदम ही लिबरल हो गए ठीक है और सरकार ने एकदम से प्राइवेटाइजेशन को फोकस किया बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सरकार के नियंत्रण में थी सब कुछ बीमा कंपनी ये कंपनी वो कंपनी बैंक सब कुछ सरकार क्या करने लगी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने लग गई ठीक है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राज्य द्वारा नियंत्रित की गई नई उत्पादक इकाइयों की स्थापना की गई मतलब ऐसे उद्योगों को डाला जा रहा है जो कहीं ना कहीं राज्य के नियंत्रण में है ठीक है और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है निजी क्षेत्र भी है लेकिन सरकार की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है ठीक है या कोई कोई ऐसी चीजें हैं जिसका प्रोडक्शन दोनों कर रही है सरकार भी कर रहा है निजी क्षेत्र भी कर रहा है कोई कोई ऐसी चीजें हैं जिसका प्रोडक्शन निजी क्षेत्र कर रहा है लेकिन सरकार के नियंत्रण में है और कुछ ऐसे सेक्टर्स से जो पूरी तरह से निजी को छोड़ दिया गया है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत राज्य द्वारा नियंत्रण की गई आ, कई सारी उत्पादन इकाइयों का आ, फाउंडेशन डाला गया स्थापना किया गया इसमें निधि निदे निदेशक तत्व को लागू करने का प्रयास किया गया अब नीति तत्व क्या है अब वही है ना ये थोड़ा सा लिंग है चैप्टर पॉलिटी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फोर ए आर्टिकल थर्टी सिक्स टू आर्टिकल फिफ्टी वन डिटेल से डिफाइन किया गया तो बेसिकली जो आप देखते हो इलेक्शन होता है कैंडिडेट जो मैनिफेस्टो देते हैं इलेक्शन में घोषणा पत्र निकालते हैं कि अगर आप हमें जिताते तो हम ये करेंगे ये करेंगे ये वही है डीपीएसपी निधि निर्देशक तत्व में ये बोला गया कि जब सरकार के पास कल को संपत्ति आएगी तो सरकार के पास कल को तकनीक आएगी तो सरकार कोशिश करेगी लोगों को ये ये अधिकार दे भविष्य में तो यहां पर यही बोल रहा है कि ये जो उद्योगों की स्थापना की जा रही थी इसमें काफी कुछ नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रखा जा रहा था ठीक है निजी क्षेत्र को औद्योगिक नीति के अंतर्गत गतिविधियां संचालित करनी थी वही ऊर्जा शस्त्र रेलवे मुद्रा मुद्रा उत्पादन राज्य के अधीन थे यानी कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट थे या कुछ ऐसे सेक्टर्स थे मतलब कुछ ऐसी उत्पादन इकाइया थी जो पूरी तरह से निजी निजी क्षेत्र क्षेत्र को दे दिया क्या? कि आपको यहां पर प्रोडक्शन कर सकते हो आप उद्योग डाल सकते हो लेकिन आप ये उद्योग डालोगे तो हमारी ये जो पूरी पॉलिसी है ना इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा ये सारे हमने रूल्स बनाए हैं तुम उद्योग इन रूल्स के अंडर में ही चला सकते हो समझ में गया तो कहीं ना कहीं उन पर कंट्रोल था और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स थे या फिर कुछ ऐसे आ, सेक्टर्स थे जिसको पूरी तरह से सरकार ने अपने कंट्रोल में रखा जैसे ऊर्जा है शस्त्र रेलवे मुद्रा और ये सारी चीजें ठीक है आगे बढ़ जाते हैं साथ ही विमान पोत निर्माण लोहा कोयला खनिज तेल संचार के क्षेत्र में आधारभूत उद्योग की स्थापना का निश्चय किया गया कि यहाँ पर हमें कुछ बेसिक इंफ्रा इंडस्ट्री डालने की आवश्यकता है क्योंकि आधारभूत उद्योग ही अन्य उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल का काम करेंगे तो इस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ेगी और यहां पर भी सरकार का नियंत्रण काफी ठीक ठाक से रहेगा लघु कुटीर उद्योगों को राज्य द्वारा प्रोत्साहन दिया गया और पिछड़े क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को स्थापित करने के लिए बात किया गया थोड़ा सा सुनिएगा एक तो हो गए की बड़े उद्योगपति बड़े उद्योगपति एक तो वो लोग होंगे जो जिनके पास में खुद इतना पैसा होगा वो लगा सके सरकार थोड़ी बहुत मदद कर रही थी दूसरा वो जो बड़े उद्योगपति उद्योग चला भी रहे थे वो बहुत सारी कंडीशन के अंडर में चला रहे थे अब ऐसे कितने ही लोग होंगे कम होंगे अब सरकार खुद अपने उद्योगों को चला रही है ज्यादा सेक्टर्स ज्यादा सब, सब्जेक्ट्स को वो अपने अंडर में रख रही है कि यहां यहाँ पर मैं ही उद्योग डालूंगी ये सारा हमारे नियंत्रण उत्पादन होगा ग्राउंड लेवल पर लोग जो इस तरह के हैं उद्योगों से जुड़ना चाहते हैं उसके लिए क्या बोल रही है कि लघु कुटीर उद्योगों को ग्रामीण स्तर पर प्रोटेक्शन मिल रहा है सरकार बोल रही है कि आप लघु कुटीर उद्योग चालू करो हम आपको सस्ता इलेक्ट्रिसिटी देंगे या अन्य चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे ये सब कुछ वहां पर चल रहा था ठीक है तो लघु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता और सरकार जो दूर दराज के जो थोड़े दुर्गम इलाके थे वहां पर भी उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही थी कैसे दे रही थी सरकार की अगर तुम पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर उद्योग डालते हो तो हम आपको ये जो हमने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए

दिखाई देता है कि इस पैटर्न पर ये काम कर रहे थे कुछ विषय पूरी तरह से सरकार ने अपने नियंत्रण में रखे जो निजी क्षेत्र को अनुमति दी वो भी इस नीति के तहत कि तुमको ये सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा लघु कुटीर उद्योग और दुर्गम क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करने में सरकार ने काफी काम किया सहायता दी अब आ जाते हैं 1956 की औद्योगिक नीति यहां पर थोड़ा सा सरकार और स्मार्ट हो गई अब सरकार को लगा नाइनटीन की जो हमें औद्योगिक नीति दिखाई देती यहां पर सरकार थोड़ा सा और स्मार्ट हो गई यानी उसने पूरा कैटेगराइज कर दिया और क्या किया कि जो उद्योग है उनको तीन वर्गो में बांट दिया पहले वर्ग में जो पहली कैटेगरी बनाई उसमें टोटल सत्रह उद्योगों को रखा गया कि ये जो शस्त्र उत्पादन है परमाणु ऊर्जा भारी उपकरण लोह कोयला खनिज धातु ये सारी चीजें जो हैं ये ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिन पर पूरी तरह से राज्य का नियंत्रण होगा इन इनसे संबंधित किसी भी उद्योग की स्थापना कोई व्यक्ति नहीं कर सकता इन उद्योगों की के स्थापना केवल सरकार करेगी आप समझ में आ गया तो जो पहला कैटेगरी था वो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में सार्वजनिक उद्योग के तहत इसे रखा गया दूसरे कैटेगरी में टोटल बारह उद्योगों को शामिल किया गया अन्य खनिज यहां पर जो खनिज रखे थे उसके अलावा जो बच गए खनिज लौह मिश्रित धातु हो गए प्रतिजैविक औषधि रसायन ये सब कहानी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं लेकिन ये जो विषय थे यहाँ पर बोला गया कि राज्य का नियंत्रण धीरे धीरे बढ़ते जाना था मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये यह बोल रहा था कि ये आ, आपका हम हैंड करेंगे किसको निजी क्षेत्र को लेकिन राज्य के नियंत्रण के तहत समझ में आ गया मतलब वो अपना प्रभाव इन पर रखेगा और प्रभाव ठीक ठाक सा रखेगा ठीक है मतलब आपको रूल्स रेगुलेशन के अंडर रखते हुए ये यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया तीसरा वर्ग था शेष सभी उद्योग इनके अलावा जो भी बच गया वो सब इसमें है और उस पर निजी क्षेत्रों को पूरा अधिकार दिया गया कि तुम अपने हिसाब से वहां पर काम कर सकते हो ठीक है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को पूरक कहा गया राज्य द्वारा न्यायपूर्ण और भेदभाव रहित व्यवहार सुनिश्चित करने की बात की गई कि जो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र ये एक दूसरे के पूरक है एक ही गाड़ी के दो पही है ठीक है तो इन दोनों को साथ साथ चलना होगा सरकार की इतनी तो नहीं भी इतना कैसे कैपेबल होगी सरकार की सारी चीजों का खुद प्रोडक्शन कर ले एक सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक सरकार सब कुछ खुद बना रही है अगर ऐसा करने लग गई तो भाई पॉलिसी एग्जीक्यूशन बाकी चीजों पर कौन काम करेगा नहीं करेगा ना आप तो पूरी कंपनी बनकर ही रह जाओगे तो सरकार ने बोला कि हम पूरक सार्वजनिक और निजी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सार्वजनिक कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण रखेगा अन्य क्षेत्र निजी को दे दिया जाएगा ठीक है इस पर काम होगा लेकिन निजी क्षेत्र पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी जो हमें यहाँ पर दिखाई देती है अब पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन औद्योगिकरण बोल रहा है कि पंचवर्षीय योजना में किस तरह से औद्योगिकरण दिखाई दे जैसे अभी आपने देखा था प्रथम योजना में प्रत्यक्ष औद्योगिकरण के प्रयास के स्थान पर पृष्ठभूमि निर्मित की गई जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था वैसे भी हमने देखा कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस नहीं था वो किसकी बात कर रहे थे शरणार्थी खाद्य इन सारी चीजों पर वो फोकस कर रहे थे तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में डायरेक्ट इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया गया जब बल्कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में इंडस्ट्री को आगे जब हम प्रमोट करने वाले उसके लिए बेसिक इंफ्रा आप तैयार कर लो वो आधार तैयार करने पर काम किया गया तो प्रत्यक्ष औद्योगिकरण के सॉरी प्र, प्र, प्रत्यक्ष औद्योगिकरण पर काम ना करके पृष्ठभूमि निर्मित की गई कि आगे जब हम नेक्स्ट फाइव ईयर प्लान में अगर उद्योगों को प्रमोट कर रहे हैं तो उसके लिए इंफ्रा बन जाए ना उसका बैकग्राउंड बन जाए ठीक है रोड या अन्य सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए आधारभूत संरचना किस कृषि सिंचाई के विकास पर जोर दिया आधारभूत संरचना देखो क्या होता है उद्योग के लिए एक तो आपको चाहिए सस्ता कच्चा माल कहीं पर भी आप डालो इंडस्ट्री तो इसका दो चीज होता है ना एक तो रॉ मटेरियल इसको चाहिए होगा सस्ता कच्चा माल दूसरा इसको चाहिए होता है मार्केट जहाँ पर ये सस्ता कच्चा माल उठाए उठाकर लेकर जाए उसे कोई प्रोडक्शन बनाए और उसको मार्केट में बेच दे है ना यहाँ पे कपास है कपास को उठा के ले जाए यहाँ पर उसका प्रोडक्शन करे उससे शर्ट बनाए शर्ट बना के मार्केट में भेज दे तो ये दो चीज़ें चाहिए रॉ मटेरियल के लिए वो किस पर काम कर रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर क्योंकि रॉ मटेरियल तो बेसिकली वहीं से मिल रहा है ना जो बेसिक है तो एग्रीकल्चर को हमें प्रमोट करना है इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी डेवलप करनी है यहाँ पर दूसरा इधर आ जाओ मार्केट को अच्छा करना है मार्केट अच्छा करने के लिए कि कंपनी या फैक्ट्री और मार्के जो लोग हैं उनके बीच में आवाजाही की सुविधा वो आधारभूत सुविधा होनी चाहिए तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में डायरेक्ट इस पर फोकस नहीं किया जा रहा है फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में इस पर और इस पर फोकस किया जा रहा है। है? आप समझ पा रहे हैं, ठीक चलो आगे बढ़ जाते उद्योगों के विकास दर संतोषजनक नहीं और ये जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान थी यहाँ पर हम बोलेंगे कि कोई ऐसा रैपिड ग्रोथ तो नहीं मिला है लेकिन हाँ ठीक है ऐसा भी नहीं गया ठीक ठाक सा था न्यूट्रल लेवल पर चीजें चल रही थी कुछ फैक्ट्रीज हमें दिखाई दी यहाँ पर जो नहीं नई फैक्ट्री लगेंगे बहुत ज्यादा वहां पर विकास नहीं दिखेगा लेकिन कुछ छोटे लेवल पर हमें फैक्ट्री लगती है जैसे यहाँ पर सिंदरी उर्वरक कारखाना है चित्रंजन रेल इंजन निर्माण के लिए कारखाना लगाया गया था जहाँ पे रेल इंजन का फॉर्मेशन होता था या इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेनिसिलिन फैक्ट्री भारतीय टेलीफोन उद्योग तो ये छोटे छोटे उद्योग हमें इस समय पर पनपते हुए दिखाई देते हैं द्वितीय योजना सेकंड फाइव ईयर प्लान यहाँ पर तो डायरेक्ट ही काम किया जा रहा है इंडस्ट्री को प्रमोट करने सॉरी इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रमोट करने के लिए 1956 की नीति से प्रेरित अभी आपने देखा था 1956 की नीति जिसमें बोल दिया गया था कि सत्रह उद्योग पूरे सरकार के पास रहेंगे इतने उद्योग बारह के आसपास निजी सरकार दोनों के पास बाकी जितने भी बच बचे वो पूरा तरह से निजी क्षेत्र के पास तो बोले कि जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान है वो नाइनटीन की जो औद्योगिक नीति थी उससे काफी ज्यादा प्रेरित थी यहाँ पर डायरेक्ट इंडस्ट्री को प्रमोट करने पे काम किया जाएगा कि सत्ताईस जीडीपी है जो ग्रोथ है उसका हमको यहाँ पर उद्योगों पर लगा देना है राउरकेला भिलाई दुर्गापुर यहाँ पर इस्पात कारखाने चालू किए गए और ये बहुत जरूरी है लॉ इस्पात इसको बोलते हैं ना हम की पूंजीगत उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए आधार का काम करते हैं लोहा इस्पात अन्य उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं ठीक है थीके? तो ऐसे पूंजीगत उद्योगों की अनेक इकाइयां स्थापित की गई यहां पर थोड़ा सा इस क्षेत्र में काम होता है छोटे उद्यमकर्ता का तेजी से विस्तार हुआ जो छोटे छोटे उद्योगपति थे उनकी संख्या यहां पर बढ़ती है तृतीय योजना के टाइम पीरियड में मशीनों का निर्माण तकनीकी कौशल पर बल अब क्या हो रहा है कि आपने पूंजीगत उद्योग का निर्माण कर लिया आपने लोहा इस्पात उद्योग बनाया उससे आपको लॉह इस्पात मिल रहा है अब उस लॉ इस्पात से किसी को सिलाई मशीन बनाना है तो सिलाई मशीन के लिए चाहिए ना उसको वो तो वो सिलाई मशीन बनने वाली फैक्ट्री लग गई जो आयरन करते हैं प्रेस जो जिसे आप बोलते हैं वो फैक्ट्री डालना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए लॉह इस्पात चाहिए तो जब आपने पूंजीगत उद्योग सेकेंड फाइव ईयर प्लान में स्टैब्लिश कर लिया तो थर्ड फाइव ईयर प्लान में क्या हो रहा है मशीन निर्माण वाले उद्योग बन अपने चालू हो जाएंगे समझ में आ रहा है तकनीकी कौशल पर बल अब यहाँ पर सरकार एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी कि जब अब उद्योग पनप रहे हैं तो यहाँ पर लोगों को भेजना है काम करने के लिए और देखो उस समय ज़्यादातर जो आबादी थी वो खेती हर थी तो लोगों को बाहर भेजना भी थोड़ा सा एफर्ट वाला काम होता था तो वही वहाँ भेजने के लिए उनको अच्छा सा तकनीकी या स्किल सिखाना कि फैक्ट्री में जाए काम करें तो उसके लिए अलग लेवल पर पॉलिसीज लाई जाएंगी गाँव के क्षेत्र में जा जाकर लोगों को स्किल सिखाया जाएगा प्रमोट किया जाएगा कि जाइए जाकर आप उद्योगों में काम करिए क्योंकि उस समय काम करने का जो उद्योगों में काम करने का या नौकरी करने का इतना प्रश्न था नहीं प्रबंध की दक्षता पर बल मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होना चाहिए तो अब जो नेक्स्ट स्टेज आता है ना थर्ड फाइव ईयर प्लान वहां पर हम थोड़ा सा और एक लेवल आगे बढ़ जाते हैं इन पर भी काम करते हैं कि स्किल सिखाना है मैनेजमेंट कैसे करना है इन पर हमें काम करना है ठीक है ऑटोमोबाइल डीजल इंजन बिजली ट्रांसफार्मर जैसे क्षेत्रों की प्रगति हमें इस समय दिखाई दी साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र को केंद्रीय स्थान दिया गया मतलब है तो अभी भी पब्लिक सेक्टर ही इंडस्ट्री में ज्यादा प्रमोटेड वो नाइनटीन तक ज्यादा हमें दिखाई देता है उद्योग विकास और विनिमय अधिनियम 1951 फिफ्टी ये एक एक्ट की बात कर रहा है यहां पर देखिएगा थोड़ा सा इस एक्ट का नाम है उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम यह एक्ट बताएगा कि हमें उद्योगों का कैसे विकास करना और कैसे उस पर विनियमन रेगुलेशन भी कैसे रखना है तो नाइनटीन के 51 के एक्ट के हिसाब से आगे हमें चीजें दिखाई देंगी सरकार को मध्यम बड़े औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार मिलता है इससे और ये इसे हो गया था ना लाइसेंस राज की भाई अगर आपको कोई उद्योग स्थापित करना है मध्यम या बड़े स्तर का छोटे स्तर पर तो आप चला सकते हैं लेकिन बड़े स्तर के उद्योग के लिए आज भी लाइसेंस चाहिए रहता है हमें कई सारे उद्योगों के लिए लेकिन बहुत लिमिटेड हो गया है और एक्चुअली जो हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड है वहां पर इन लाइसेंस की बात की जाती है अदरवाइज नहीं लेकिन पहले क्या था कि बहुत ऐसे ऐसे उद्योग के लिए लाइसेंस की जरूरत होती थी जो लगता था क्या जरूरत है लेकिन फिर भी सरकार ने अपना नियंत्रण कर रखा था तो अब लाइसेंस के लिए आप सरकार के पास लाइसेंस लेने जा रहे हो अब ड्राइविंग लाइसेंस लाइसेंस आज बनवाते कितना प्रॉब्लम होता है है लेकिन वो सोचो वहां पर आपको लाइसेंस लेना है, उद्योग डालने के लिए तो जो लाल फीताशाई थी ना बीच में वो बहुत बढ़ जा रही थी तो इससे क्या होता था कि जो उद्योगपति उद्योग डालना चाहते थे उनको बहुत सारे ऐसे छोटे 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 प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था तो यहां पर ये कि सरकार ने इस एक्ट के तहत सरकार को यह अधिकार मिला कि मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए आप लाइसेंस जारी कर सकते हैं लोगों को खोलना है तो पहले आपसे लाइसेंस लेना पड़ेगा वरना इलीगल माना जाएगा साथ ही आयात निर्यात का कोटा निर्धारित किया गया मतलब तक फैक्ट्री को बोल दिया गया कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन ही इतना होगा आप समझ पा रहे इतना प्रोडक्शन इतना एक्सपोर्ट करोगे बाहर से अगर आपको कोई सामान मंगवाना है देश के अंदर तो इतना ही इंपोर्ट हो सकता है अब देखो इसमें ना ग्रोथ बहुत रुकती है बहुत ज्यादा ग्रोथ रुक जाइए कि हर एक चीज आप डेटा डिसाइड करने लग जाओगे कि इतना सामान ही आएगा इतना ही थोड़ा फ्लेक्सीबल होना चाहिए ना फ्लेक्सीबिलिटी नहीं थी कोटा सरकार ने डिसाइड कर दिया तो सरकार को लगा था कि भाई कोटा ओटा रख के सब कुछ मतलब बैलेंस कर दिया जाएगा उससे हमारी इकोनॉमी एकदम से बूस्ट होगी जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा था प्रॉब्लम बढ़ रही थी और सरकार का काम बढ़ रहा था अननेसेसरी सरकार का काम बढ़ रहा था सरकार का

प्रोविजन में चेंज किया एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए तो ये इसका हमें लॉन्ग टर्म इंपैक्ट दिखा जो नेगेटिव इंपैक्ट था मजदूरी मूल्य में वेतन निर्धारित करने की शक्ति सरकार को मिल गई कि सरकार के पास अब अब उद्योग लग रहे हैं तो जो उद्योगों में मजदूर हैं उनकी भी तो रक्षा करनी है ना कि सरकार के पास अधिकार है कि मजदूरी निर्धारित कर दे कि मिनिमम इतना जो है लोगों को वेतन मिलना ही चाहिए ठीक है विदेशी व्यापार घराने या फिर जो बहुराष्ट्रीय निगम होते थे ऐसी कंपनीज पर भी नियंत्रण का सरकार को इसने अधिकार दे दिया तो ये जो एक्ट था या 1956 के बाद भी मतलब सरकार जो उद्योगों को प्रमोट भी कर रही ना बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस के साथ में कर रही थी ठीक है स्वतंत्रता बाद लगभग डेढ़ दशक तक आधारभूत क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य नियंत्रण को अनिवार्य तत्व माना गया इस एक्ट में बोला गया कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये जो आधारभूत उद्योग पनपे तो इसके लिए सरकार को बहुत इन्वॉल्व होना पड़ेगा सरकार को हर चीज अपने नियंत्रण में रखनी होगी नियंत्रण में रखना जिससे लोगों को घाटा ना हो और नियंत्रण में रखते हुए सरकार को ही इन पर काम करना होगा क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि वो उद्योग डाल के चला सके ये सारी चीजें बोली जा रही थी ठीक है राज्य नियंत्रण से कृषि ऊर्जा परिवहन संचार क्षेत्रों में निवेश सुनिश्चित किया जा सकता था इस एक्ट में बोला गया कि अगर सरकार का नियंत्रण होगा तो यहाँ पर लोग भी पैसा लगा सकते हैं इन क्षेत्रों में निवेश कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार सरकार का नियंत्रण में तो लोग भी सिक्योर होते हैं ना कि भाई ये सरकारी कंपनी है ठीक है तो सरकार किधर जाएगी भागकर वो आंसरेबल होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है और जो प्राइवेट कंपनीज है वहां पर थोड़ा सा वो आंसरेबल या रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है तो सरकारी नियंत्रण से इन क्षेत्रों में निवेश भी ज्यादा मिलेगा ऐसा कहना था इस एक्ट के तहत ठीक है थीके? भूमि और कृषि सुधार अब अभी तक आपने क्या पढ़ा पूरा का पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म आपने पढ़ा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस देखो यहाँ पर जो जिक्र किया गया मैंने बोला ना नेहरू युग तो 1947 से 1964 तक की सिर्फ कहानी बता रहा है कि ये जो तीन फाइव ईयर प्लान चले यहाँ पर हमारे आर्थिक योजना में या फाइव ईयर प्लान में क्या इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को किया गया तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में कुछ नहीं आधारभूत बैकग्राउंड तैयार कर रहा था सेकंड फाइव ईयर प्लान में डायरेक्ट किया गया थर्ड फाइव ईयर प्लान में स्किल और मैनेजमेंट पर फोकस किया गया लेकिन ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रमोट भी किया जा रहा है सरकार के द्वारा बड़ा नियंत्रण रखकर तो इसकी वजह से उस लेवल पर हमें उद्योगों में ग्रोथ नहीं दिखाई दी ठीक है चलो अब आ जाते कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें भूमि और कृषि सुधार अब दूसरा हमारा सेक्टर एग्रीकल्चर इस पर बहुत फोकस था इस पर तो डेफिनेटली फोकस होगा 80 परसेंट पॉपुलेशन यहाँ पर लगी हुई है तो सबसे पहले कि भाई एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन बढ़ाना है या प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है पहले तो यहाँ पर हमें सुधार करने की आवश्यकता है तो उस दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा सबसे बड़ी चुनौती थी देश का सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास कैसे किया जाए ठीक है तो केवल आर्थिक विकास नहीं करना था सामाजिक विकास करना भी बहुत जरूरी था और उसके लिए नई कौन से प्रोविजन्स लाया जाए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था अस्सी प्रतिशत से ज्यादा आबादी कृषि आधारित थी बोला भी जाता था इंडिपेंडेंस के बाद कि भारत कहाँ बसता है गाँव में बसता है क्योंकि एटी परसेंट से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी मतलब है तो एटी परसेंट से ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है खेती में लगी हुई है खेती हरे अतः कृषि आर्थिक विकास से घनिष्ठ रूप से संबंधित थी आप भले उद्योगों को संरक्षण दे रहे हैं भले उद्योगों पर आ, काम कर रहे हैं उनके लिए नीतियाँ लेकर आ रहे हैं लेकिन एकदम से स्विच तो नहीं हो जाएगा 80 परसेंट पॉपुलेशन जहाँ पर लगी हुई है अगर उस सेक्टर में थोड़ा सा बूस्ट दे दो तो वहाँ से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि हमारी देश का विकास कृषि से बहुत संबंध रखता था इनिशियल स्टेज में ठीक है अब तो एकदम से ऑपोजिट हो गया वैसे जनरली क्या होता है कि एग्रीकल्चर से हम इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट से सर्विस सेक्टर बूस्ट होता है हमारे यहाँ तो पे सर्विस सेक्टर ही एकदम से बीच में ही बूस्ट हो गया मतलब वो वाला फेज आने की जगह डायरेक्ट सर्विस सेक्टर में देखो बहुत बूस्ट हुआ है नाइनटीन के बाद से बोल रहे पिछड़ी कृषि भूमि का कर, केंद्रीकरण बिचौलीय बहुसंख्यक गरीब किसान तकनीकी अभाव सामाजिक पिछड़ा पर निरक्षरता रूढ़ीवादी धर्मांधता जातिवाद ये सब चीजें थी ये सब आप पढ़ कर आ चुके हो तो हमारे देश में हमें ये सब कुछ मिला था हम 80 परसेंट पॉपुलेशन खेती में लगी हुई थी तो खेती में लगी हुई जनसंख्या को हमें आगे बढ़ाना था क्योंकि ये अगर अच्छा कर देगी तो 80 प्रतिशत जनसंख्या जिस काम में लगी हुई है अगर वो काम अच्छा हो जाएगा तो हमारी जो आर्थिक स्थिति वो सुधर जाएगी ना लेकिन ये सारे चैलेंजेस थे उसके सामने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करने के लिए ये सारे चैलेंजेस उसके सामने सामने थे सरकार के ठीक है अतः आजादी बाद ग्रामीण जीवन और कृषि में सुधार को बहुत प्राथमिकता दी गई क्योंकि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इधर लगा हुआ था तो यहाँ पर काम करने का बहुत जरूर जरूरत था तीन विचारधारे हमें यहाँ पर दिखाई दी थी एक साम्यवादी दल ने भूमि के राष्ट्रीय की बात की अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म कैसा किया जाए हमें करना क्या चाहिए Uh, कहीं पे जमींदारी व्यवस्था है कहीं पे डायरेक्ट किसानों के हाथ में जमीन है लेकिन बढ़ते बैठते 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 जमीन बहुत छोटी हो गई आज भी देखा है कहीं पांच भाई है एक एकड़ जमीन है बंटवारा हो गया और छोटा उन पांच में से किसी के पांच है तो फिर तो वो कितना छोटा हो जाएगा जमीन तो ऐसे जमीन क्या होता है कि एक तो खेती नहीं होगी छोटा सा ही टुकड़ा है तो आप कौन खेती करेगा बोलेगा कि उस पर ट्रैक्टर चलाइए इनपुट आपका बढ़ जाएगा और उससे आउटपुट कुछ निकलना नहीं है तो बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन रहती है जो कि उस पर एग्रीकल्चर नहीं करते जाइए गाँव में बहुत सारी आपको ऐसी जमीन मिल जाएगी परती पड़ी रहती है तो यहां पर यह था कि हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए क्या पॉलिसी लेकर आए तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए सबके अपने अपने आइडियाज थे जैसे साम्यवादी जो थे जो सोशलिस्ट नेचर के लोग थे उस आइडियोलॉजी के लोग थे उनका कहना था देखो सारी जमीन सरकार अपने कंट्रोल में करे सारी जमीन का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए ऐसा उनका कहना था ओके और फिर उस सामूहिक रूप से खेती करने के लिए दिया जाए कि लोग उस पर खेती करें उसका एक हिस्सा उनको दिया जाए आप समझ में आ रहा है जमीन का मालिकाना हक ना दिया जाए विनोबा भावे ने सुधार को नैतिक दबाव के आधार पर करने को कहा कि भाई ये हमारा एक आ, 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 एक नैतिक दबाव के तहत हमें सुधार को करना चाहिए क्यों, क्योंकि जो खेती हर जन खेती हर लोग है ना उनकी स्थिति दिन पे दिन बिगड़ रही है तो हमें इस दिशा में अपने वैल्यूज को रखते हुए काम करना चाहिए मतलब तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आप वैल्यूज देखो कि क्या सही है क्या गलत है वो आपको खुद समझ में आ जाएगा ठीक है तो क्या हमारे प्लान होने चाहिए वो हमारे वैल्यू को आधार में रखते हुए हमारे नै, नैतिकता को आधार में रखते हुए वो प्लान बनाने चाहिए पॉलिसी बनानी चाहिए कांग्रेस ने लोकतांत्रिक ढांचे के अधीन भूमि सुधार और सहकारी खेती पर बल दिया कांग्रेस का कहना था कि भाई क्या बोलते हैं हमें कुछ भूमि सुधार करना चाहिए यानी लैंड रिफॉर्म करना चाहिए जो जमींदारों के पास फालतू की जमीन पड़ी हुई है इतनी सारी कई कई गांव के मालिक हैं वो उनसे लेना चाहिए रिफॉर्म करना चाहिए और दूसरा सहकारी खेती करना चाहिए यानी कि टुकड़े टुकड़े में खेती ना करें गाँव के लोग सामूहिक रूप से खेती करें तो कांग्रेस का यह कहना था आप समझ में आ रहा है अलग अलग विचारधारा कोई बोल रहा है सारी जमीन का राष्ट्रीयकरण कर दो कोई बोल रहा है नैतिक आधार पे कांग्रेस बोल रही है कि भाई भूमि सुधार करने की आवश्यकता है आवश्यक है और सहकारी खेती इस पर कराया जाए तो भाई किसकी बात मानी जाएगी इसी की बात मानी जाएगी ना सरकार तो इसी की है तो ये अपनी आइडियोलॉजी को लेकर आगे चलेगी और नाइनटीन के तुरंत बाद कांग्रेस जैसे ही आपका संविधान लागू हुआ संविधान के लागू होते ही भूमि सुधार किया गया और भूमि सुधार में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दो एक एक आर्टिकल स्पेशली मैं बोलूंगी एक आर्टिकल बहुत आड़े आ रहा था जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 32 जो हमारा फंडामेंटल राइट right है हमारा मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट स्पेशली प्रोटेक्टेड होता है किससे बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओके यानी अगर आपका कोई भी मूल अधिकार छीना जाता है बारह से पैंतीस तक आपके फंडामेंटल राइट दिए गए कोई भी मूल अधिकार छीना जाता है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में कि भैया ये मेरा मूल अधिकार छीना गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो आपके मूल अधिकारों को छीनने से रोके मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल थर्टी टू खुद अपने आप में फंडामेंट सॉरी अरे यार ये गलत इसको करेक्ट करिएगा इसको करेक्ट करिएगा सॉरी इसको करेक्ट करिएगा आर्टिकल थर्टी ओके तो ये ध्यान रखना है कि हमारा एक राइट था जिसको बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी वो आर्टिकल थर्टी टू में सॉरी थर्टी वन में बताया गया है अनुच्छेद इकतीस में हमारे संपत्ति के अधिकार दिए गए थे और अगर हमारा ये फंडामेंटल राइट छीना जाता तो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो हमारे इस अधिकारों को लागू कराएगा संरक्षण देगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या रहा था 1950s के बाद में जब सरकार ने भूमि सुधार के तहत कुछ पॉलिसीज या कुछ कानून लेकर आई गई सरकार बोलेगी जितनी भी संपत्ति है इन जमींदारों के पास में इतनी बड़ी बड़ी कई क्य कई गाँव रखे पड़े जो इनका है ही नहीं एक्चुअली ये जमींदारों की जो जमीने हैं उस पर उनको मालिकाना हक दिया जाता है जो व्यक्ति उस पर कई सालों से कई पुष्पों से खेती कर रहे हैं अब ये तुरंत है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बोल रहा है आर्टिकल थर्टी वन राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार मेरा संपत्ति का अधिकार छीना जा रहा है और आर्टिकल थर्टी बोलता है कि किसी भी व्यक्ति से उसकी संपत्ति सार्वजनिक हित में छीना जाएगा बोलता था सॉरी सार्वजनिक हित में छीना जाएगा और वो संपत्ति अगर छीना जाएगा तो उसके लिए पूर्ण क्षतिपूर्ति तो ये बोले थे सार्वजनिक हित का है ये तो मेरी जमीन किसी और को दे रहे हैं किसान को दे रहे हैं और दूसरा उसके लिए मुझे पूरा पैसा नहीं भी नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार के पास इतना नहीं था ना कि पूरा भर भर के क्षतिपूर्ति दे दे वो पॉसिबल नहीं था सुप्रीम कोर्ट आड़े आ जा रही थी सरकार की भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ये तो गलत बात है मैं इसकी रक्षा हूं तो राइट टू प्रॉपर्टी के तहत आप इसका प्रॉपर्टी ले नहीं सकते अब एथिकल अनएथिकल क्या है यहाँ पर वो बात नहीं होगी यहां पर बात होगा इनके फंडामेंटल राइट की जो कॉन्स्टिट्यूशन

भूमि सुधार के लिए हमें एक सेशन दिखाई दे रहा है एक अधिवेशन दिखाई दे रहा है अवार्डी सेशन या अवार्डी अधिवेशन कहा जाता है 1955 का अर्ध साम सामंती सामाजिक आर्थिक संस्था का उन्मूलन करने की बात की गई वा, वास्तविक किसानों को भूमि वितरण की मतलब यहां पर बात हो रहा है कि जो अर्ध सामंती व्यवस्था लाई गई है इसको खत्म करना चाहिए सामंती व्यवस्था क्या है वो भी हम पढ़कर आ चुके देखो छोटे छोटे पे टर्म्स है अगर एक एक को डिफाइन करने लगे टाइम बहुत जाएगा और पढ़ चुके हैं पहले तो अगर आप पूरी सीरीज को फॉलो करेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी तो इसको खत्म करना है वास्तविक किसान जो एक्चुअल में किसान है कई पुश्ते उनकी खेती कर रहे हैं उनको भूमि वितरण मतलब उनको जमीन का मालिकाना हक दिया जाए खाद्यान्न में वृद्धि करना हमारा टारगेट है खाद्यान्न में वृद्धि तभी होगी जब ये इनिशियल जो प्रॉब्लम आई है इनको खत्म किया जाएगा काश्तकारी अवधि की सुरक्षा की जाए अगर किसी किसान को वहाँ पर जोत के लिए भी रखा गया है तो उसकी उसको भी एक ड्यूरेशन का एक फिक्स टाइम देना चाहिए मतलब उसको सुविधा देनी चाहिए ऐसा नहीं कि आपने किसी किसान को काश्तकारी के तहत रखा कि भैया तुम यहाँ पर खेती करो और बटाईदार या जो भी बोलो आप काश्तकार और वो छः महीने बाद उसको हटा दे रहे हो तो ऐसे क्या होगा इस ऐसे तो भाई एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरा उसके लिए भी दिक्कत है ना कि उसका एकदम से रोजगार चला जाएगा जो भी वो कर रहा है खेती खेती कर रहा है उसकी जमीन चली जाएगी तो इनको तो वास्तविक किसानों

एक्चुअली कदम क्या उठाया गया मतलब पॉलिसीज किस पर लाई गई यहां से आइडियाज आ गए कांग्रेस के आइडियाज को लिया गया अवार्डी सेशन में कुछ रिकमेंडेशन दी गई फाइनली क्या किया गया फाइनल जो कंक्लूजन था वो निकल कर आया कि पहले तो इन बिचौलियों को हटाते हैं क्योंकि अब तो जमींदारी व्यवस्था की जरूरत थी नहीं हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था कानूनी रूप से शासन चलेगा लोकतांत्रिक व्यवस्था थी तो अब इसमें जमींदार तो बिचौलिया बन के नहीं आएंगे ना जो भी लगान वसूली करना है वो सरकारी अधिकारी करेंगे सरकार डेजिग्नेशन जो भी उस डेजिग्नेशन पे किसी को बिठाएंगे वो जाके ये काम करेंगे ना तो अब इसके लिए ये वाला बिचौली वाला सिस्टम तो हटाना पड़ेगा पहला दूसरा काश्तकारी सुधार जो किसान है उनके सुधार के लिए कुछ प्रोविजंस लाए जाएंगे तीसरा भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि जोतों की सीमा का निर्धारण जमीन का अधिग्रहण भी करना था सरकार को क्यों लैंड एक्वायर करने की क्या आवश्यकता थी लैंड एक्वायर भी सरकार को भी कोई काम करना है जमीन चाहिए ना कोई फैक्ट्री डालनी है इतने सारी ये बोल रहे कि सार्वजनिक नियंत्रण में हम फैक्ट्री डालेंगे फैक्ट्री डालना है किसी जगह पर पर्टिकुलर जगह पे किसी जमींदार की वो जमीन है वो बोलेगा भैया तुमको खरीदना है इतना पैसा दे तो सरकार के पास तो इतना पैसा नहीं है ना कि सब जगह पर पैसा बांटते हुए चलेगी या स्कूल डाल देगी या हॉस्पिटल सबके लिए क्या चाहिए जमीन चाहिए हवा में उड़ते हुए तो कुछ बनेगा नहीं तो प्रॉब्लम क्या था कि ये जमीन चाहिए इसका मतलब है जमीन का अधिग्रहण करेगी सरकार कानूनी रूप से कि तुम्हारा लैंड एक्वायर किया जा रहा है कुछ पैसा तुमको दे दिया जाएगा काम काम भर का ठीक है तो अब इसके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया क्या था कि भूमि जोत का एक सीमा निर्धारित कर देना हदबंदी कानून लाया जाएगा कि किसी व्यक्ति के पास कितनी जमीन होनी चाहिए अब तुम्हारे पास में इससे भी ज्यादा है ना इसका मतलब तो गड़बड़ है फिर ये जमीन तुम्हारी नहीं है इससे ज्यादा जिसकी जमीन है वो सारी जमीनें किसकी हो जाएंगी सरकार की हो जाएंगी तो इन तीन चीजों पर ही इनिशियली काम किया गया जैसे आपने देखा कि आ, 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 उद्योगों में किस स्पेसिफिक फैक्टर्स पर काम किया जाता है वैसे यहां पर बिचौलियों को यानी जमींदारों को खत्म करना भूमि हदबंदी एक सीमा निर्धारित करना और काश्तकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इन तीनों पर इनिशियली काम किया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बिचौलियों का उन्मूलन यानी ये जो बीच में बैठे हुए जमींदार इनको कैसे हटाया जाए तो जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर कृषकों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई कि बिचौलियों को हटा दिया जाए डायरेक्ट सरकार और किसान के बीच में संबंध हो सरकार मतलब सरकार के जो अधिकारी होंगे उनके और किसान के बीच में संबंध हो ठीक है कृषि श्रम जांच रिपोर्ट आई सामने ओके okay. 1951 में ये रिपोर्ट लाया गया और रिपोर्ट में डेटा डेटा के बिना तो आप कुछ ही नहीं कर सकते ना तो डेटा में ये बताया गया कि 20 परसेंट ऐसे किसान किसान हैं जिनके पास खेती की जमीन ही नहीं है वो भूमिहीन कृषक है यानी किसी और की जमीन पर वो एज अ बटाईदार काम कर रहे हैं तो भारत में 20 प्रतिशत अगर मैं बोलूं कि टोटल 80 परसेंट किसान थे भारत में आजादी के बाद तो इस 80 परसेंट का 20 परसेंट ऐसा किसान था जिसके पास जमीन ही नहीं है समझ में आ रहा है दूसरा बोल रहा है कि अड़तीस किसानों पर डेढ़ एकड़ सॉरी सॉरी ढाई एकड़ 2.5 एकड़ से कम भूमि इनने ये डेटा दिया कि अगर इसमें हम देखें 80% परसेंट का 38% परसेंट ऐसा किसान है जिसके पास में ढाई एकड़ से कम भूमि है मतलब ये ऐसे किसान होंगे कि ये सारे किसान ऐसे होंगे कि एक एकड़ दो एकड़ ढाई एकड़ इससे ज़्यादा इनके पास जमीन नहीं है ठीक है ढाई एकड़ पे अब कितना प्रोडक्शन होगा आप मान लो ये मैक्सिमम बोल रहा है कि थर्टी एट परसेंट के पास ये है फिफ्टी नाइन परसेंट किसानों पर पाँच एकड़ कुल भूमिका सोलह ये कुल भूमि का छह था ठीक है बोल रहा है कि 59 परसेंट जो टोटल किसान थे अगर हम बोले इन टोटल का 59 परसेंट ऐसा था जिसके पास में लगभग पाँच एकड़ के आसपास जमीन थी इसके पास में ढाई एकड़ के आसपास जमीन थी टोटल जमीन पूरे इंडिया के अगर मैं एग्रीकल्चर लैंड की बात करूं तो इसके अंतर्गत टोटल कितनी जमीन आ रही थी सिक्स आ रही थी इनके अंदर में टोटल कितनी जमीन आ रही थी पाँच एकड़ के अंतर्गत सिक्सटीन आ रही थी आप समझ पा रहे हैं तो यहां पर जरा ये देखो ना पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है 38 जो फार्मर्स हैं उनके है। मतलब टोटल बोले, बोले जमीन, तो जमीन का केवल छह ही प्रतिशत है टोटल एग्रीकल्चर लैंड का केवल सिक्स परसेंट ऐसे ही ये तो ज्यादा है लेकिन देखो ना लैंड कितना कम है सिक्स परसेंट ऐसे यहाँ पर फिफ्टी नाइन परसेंट ऐसी पॉपुलेशन है जिसके पास में पांच एकड़ मैक्सिमम जो है जमीन है मतलब अगर इंडिविजुअल एक एक की बात करें और टोटल अगर आप एग्रीकल्चर लैंड का देखो तो 59% परसेंट फार्मर्स के पास में टोटल एग्रीकल्चर लैंड का जो पांच एकड़ वाले हैं कितना है केवल 16 प्रतिशत है आप समझ पा रहे हैं तो इनके पास में ज़मीनें कितनी कम है यानी बाकी बची हुई ज़मीनें किसके पास में है तो 57 सेवन परसेंट जिमीदारों के अधीन भूमि है जो एक छोटे से जमींदार है ना कुछ परसेंट उनका रेशियो है पूरे इंडिया का एग्रीकल्चर लैंड का 57 परसेंट किसके पास था जमींदारों के पास था आप इमेजिन तो करिए कि एट्टी अगर फार्मर्स हैं तो उनके पास में टोटल जमीन का इतना ही हिस्सा है बाकी जो कुछ परसेंट ही जमींदार है सत्तावन प्रतिशत यानी सिक्सटी परसेंट एग्रीकल्चर लैंड जो है वो जमींदारों के पास है फोर्टी परसेंट एग्रीकल्चर लैंड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसमें से ट्वेंटी परसेंट तो ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है वो केवल वहां पर सीमांत किसानों की तरह काम कर रहे हैं आप समझ पा रहे हैं तो ये डेटा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जैसे ये डेटा आया यहाँ पर समझ में आए कि इसको हटाना पड़ेगा ये जो इसने अपना मोनोपोली लगा रखा है इसको निपटाने की जरूरत है ठीक है सबसे पहले इसको हटाएगा जमींदारी उन्मूलन जमींदारी उन्मूलन के लिए सरकार जो है लैंड रिफॉर्म एक्ट लेकर आएगी 1951 का जिसमें भूमि अधिग्रहण किया जाएगा या जमींदारों की जो जमीने हैं वो किसको दे दिया जाएगा हस्तांतरित किया जाएगा ऐसी ऐसी जमीने जो एक्चुअल में किसानों की थी वहां पर ये भागेगा किसके पास में

देश के अंदर जितने भी विषय है ना उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया संघ सूची राज्य सूची सम्वर्ती सूची तो बोल रहे कि जो स्टेट लिस्ट था ना इस स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था क्या आपका कृषि अब कृषि राज्य सूची का अगर विषय था तो प्रॉब्लम उस समय क्या आ रहा था चैलेंज ये था कि जितने सॉरी चैलेंज ये था कि अगर सरकार कुछ करना चाह रही है सेंटर लेवल पर बहुत ज्यादा कर नहीं पा रही क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है समझ में आया तो राज्यों की भू सुधार नीति में भिन्नता सरकार सेंटर से अगर कुछ ये आदेश भी दे रही है कि आप सबको भूमि सुधार करना है तो भाई कोई स्टेट है ये अलग तरह की पॉलिसीज एग्जीक्यूट कर रहा है ये अलग तरह की पॉलिसीज एग्जीक्यूट कर रहा है तो आउटकम वो उस हिसाब का नहीं आ पा रहा है तो बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि ये सब्जेक्ट स्टेट का था स्टेट के सब्जेक्ट में ऐसा नहीं सेंटर नहीं कर सकते सेंटर डेफिनेटली करती है लेकिन ये थोड़ा सा चैलेंजिंग फैक्टर आ रहा था कि जो पॉलिसीज बनाई जा रही थी सेंटर से स्टेट उसको अगर एग्जीक्यूशन कर भी नहीं थे तो वहां पर काफ़ी सारे चेंजेस आ जा रहे थे है ना दूसरा खेतीहर और सीमांत कृषकों से प्रत्यक्ष संपर्क एक विकट समस्या मतलब जो सीमांत किसान थे उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन वो नहीं हो पा रहा था ठीक है अगला है अधिग्रहित भूमि के बदले मुआवजा देना जैसे मैंने बोला आर्टिकल थर्टी वन राइट टू प्रॉपर्टी उस समय इनका प्रोटेक्शन कर रहा था प्रॉपर्टी का तो बेसिकली वहां पर क्या आ रहा था कि जब सरकार इनको कुछ मुआवजा दे रही थी ये वही बात कर रहे थे आर्टिकल थर्टी वन में लिखा पूर्ण क्षतिपूर्ति पूर्ण क्षतिपूर्ति तो मुआवजे के प्रश्न को मूल अधिकार उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में असंवैधानिक घोषित कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर आड़े आ गए तो चैलेंज क्या था देखो तो पहले करना क्या था एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए बिचौलियों को हटाना जरूरी था बिचौलियो कौन थे जमींदार थे लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया उस एक्ट में जब उसका एग्जीक्यूशन किया जा जाए तो ये कुछ चैलेंजेस आ रहे थे जो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बने हुए थे

कुछ समय पहले ऐसा भी था ना कि जमीन को खरीदने बेचने का अधिकार ब्रिटिश ने दे रखा था जमींदारों को और कहीं कहीं के किसानों को तो उसमें प्रॉब्लम क्या था कि ये लोग ना जब लगान नहीं चुका पाते थे तो खेती की ज़मीन बेच देते थे तो बार बार जमीन बेचने से ना बड़ा प्रॉब्लम होता है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं सरकार के पास में जो लगान पहुँचता है वो भी कम पहुँचता है बहुत इश्यूज होते हैं तो यहाँ पर सरकार ने बोला कि देखो ये जो तुम्हें ज़मीन मिल रही है ना ये ज़मीन के तुम मालिक हो इस ज़मीन पर तुम स्थायी रूप से खेती करोगे हमेशा लेकिन अभी हम इस जमीन पर तुमको बेचने का अधिकार नहीं देंगे यानी इस जमीन को तुम बेच नहीं सकते ठीक है? दूसरा विक्रय करने के लिए एक वर्ष के लगान का दस गुना अदा करना और अब तुम इस जमीन के मालिक और तुमको जरूरत ही पड़े बेचना ही पड़े तो तुमको क्या करना पड़ेगा कंपल्सरी कि तुमको एक वर्ष के लगान का दस गुना मतलब जो एक साल का लगान होता है ना उसका तुम दस गुना लगान दे दो तो अगर सरकार को फिर जाकर बेच दो तुम इस जमीन को समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा यहां से जमीन को फालतू में जो खरीदने बेचने का काम था वो थोड़ा सा कम होगा ठीक है अगला जमींदारों के पास खुद काश्त के रूप में काफी जमीन बची हुई थी अभी भी तो उस उसके लिए वैधानिक कदम काश्तकारी अवधि सुरक्षा लगान दर निर्धारण काश्तकारों को भूमि स्वामी बनाने के लिए कानून इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है वन बाय वन ठीक है वही चीजें जो मैंने अभी आपको बताया अब और क्या करना था भाई जमींदारों के पास जो बड़ी बड़ी जमीने थी उसके लिए भूमि हदबंदी कानून लाया जाएगा हदबंदी कानून में भी काफी कुछ लीकेज हुआ लेकिन फिर भी सरकार के हाथ काफी जमीने लगेंगी असमानता की समाप्ति समाप्ति के लिए कि भाई किसी के पास बहुत ज्यादा लैंड है किसी के पास है ही नहीं और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कि भाई ये जो भूमि है ना हीन है इनको थोड़ा सा जमीन मिल जाए और जो असमानता है किसी के पास में जमींदार के पास में गांव के गांव पड़े हुए इसको खत्म करने के लिए हदबंदी कानून लाया गया ये, ये किससे ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं हो सकती हालांकि इसका वो मिस भी कर रहे थे कैसे कि भाई हदबंदी कानून लाया गया तो बेनामी संपत्ति के रूप में अपने रिश्तेदारों के नाम लिख दे रहे थे अब ऐसा नहीं है कि रिश्तेदारों के नाम लिख दिया तो उन्हें वापस ही कर देंगे रिश्तेदार लेके उसे चंपत भी हो गए लेकिन इन जमींदारों को यह मंजूर था कि वो रिश्तेदारों के पास चले जाए लेकिन उन बेचारे किसानों के पास नहीं जाए जो एक्चुअल में उस, उसके मालिकाना हक जिसको मिलना चाहिए क्योंकि रिश्तेदार को तुमने जमीन लिख दिया वो पूरे जीवन तुम उसको तुम्हारा आभार मानना पड़ेगा तो ऐसा किया जा रहा था इसका क्रियान्वयन विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय पर हुआ हदबंदी कानून का आंशिक सफलता मिली बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ क्योंकि भाई हर चीज का कोई ना कोई लूप ढूंढ लेते हैं ना तो आंशिक सफलता मिली क्योंकि जो एक्स्ट्रा भूमि थी उसको ये सारी लोग अपने रिश्तेदार आदि के नाम पे ट्रांसफर कर दे रहे थे तो बोले थे तो 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 भैया लो हम हदबंदी कानून में आ गए हमारे पास तो इतनी फलाना फलाना है, है? भूमि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया सरकार ने खुद बहुत ज्यादा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, कि किया जाए कैसे इनको अच्छा सीड उपलब्ध कराया जाए मतलब बीज कैसे ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर इनको सब्सिडी में दिया जाए जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाए प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि चकबंदी और ये भी एक काम किया गया बहुत इंपॉर्टेंट है चकबंदी चकबंदी बेसिकली क्या होता है फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एक गाँव है फलाना जगह किसी जगह का और उस गाँव में पांच भाई है ठीक है अब पांच भाव भाई की एक जमीन है यहाँ पर एक जमीन है यहाँ पर एक जमीन है यहाँ पर आप समझ में आ रहा है और बंटवारा हो रहा है बंटवारा यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर इसके पाँच हिस्से हुए यहाँ पर पाँच हिस्से हुए यहाँ पर पाँच हिस्से हुए आप समझ पा रहे हैं तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए उसकी जमीन के एक टुकड़ा इधर पड़ा है एक टुकड़ा इधर पड़ा है एक टुकड़ा इधर पड़ा है उसमें से कुछ खेती कर रहा है फिर इसके भी टुकड़े हो गए इसके भी टुकड़े हो गए बाद में इनके बच्चे हुए तो चकबंदी कानून के तहत क्या किया जाता है ना कि जो ऐसे छोटे 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 टुकड़ों के मालिक होते हैं ना जब चकबंदी कानून लाया जाता है तो इकट्ठा उस जमीन को एक जगह पर कि हाँ ये जमीन की जगह तुमको वहां पर इकट्ठा जमीन देते दे रहे समझ में आ गया तो जगह जगह से चकबंदी में जो जमीनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि उसको यहां दे दो इकट्ठा हो जाएगा इसको वहां दे दो इकट्ठा हो जाएगा आप समझ पा रहे क्योंकि इस पर खेती भी नहीं होती है ये वेस्टेज होता है जमीन बर्बाद हो रही होती है जमीन पर खेती नहीं होगी सरकार को उस लेवल पर लगा नहीं जाएगा मतलब ओवरऑल कुछ इसका बेनिफिट नहीं पड़ती पड़ जाता है फिर ये तो और जो करता भी है तो इसका आउटपुट बहुत नहीं निकलता है तो इस से चकबंदी कानून लाया गया कि जो बंटवारे की वजह से जो प्रॉब्लम आता है ना इसको खत्म किया जा सके ठीक है तो यहां पर यही बोलता है क्या

उर्वरक कीटनाशक अच्छे बीज टेक्नोलॉजी सिंचाई सर्वाधिक लाभ लेकिन किसको हुआ ज्यादातर अमीर किसानों को उनके पास बड़े बड़े लैंड से तो ज्यादा उनको बेनिफिट होगा ना भाई अब सारे किसानों को आप एक जैसे फर्टिलाइजर दो सब्सिडी पे सारे किसानों को आप इरिगेशन फैसिलिटी दो तो एक जो गरीब किसान है उसका तो क्या हो उसको सफ, उसको नो डाउट ये सारी चीजें मिली उसका थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन एक अमीर किसान है उसको सारी चीजें मुफ्त में या सस्ते में मिल रही हैं तो उसका इनपुट तो कम हुआ और उसका बड़ा जमीन था उसको बहुत बेनिफिट हो जाएगा ना तो ज्यादा इससे संपन्न कौन हुए अमीर किसान हुए ठीक है नाइनटीन से सिक्सटी तक कृषि सुधार के अनेक प्रयास किए गए किंतु यह आमूल संरचनात्मक परिवर्तन लाने में अपर्याप्त सिद्ध हुए बोल रहा है कि चेंजेस बहुत सारे किए गए लेकिन फिर भी इस चेंजेस का बहुत कुछ खास ऐसा आउटपुट नहीं निकल पाया जितना आउटपुट निकालने की उम्मीद की गई थी ठीक है तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा अभी देखो क्लास को यहीं पे रोकते हैं इसके बाद जो है दो तीन चीज़ें और बताई गई हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे मंडे को लेक्चर होगा नेहरू के टाइम पीरियड में किस तरह की फॉरेन पॉलिसी थी वो अभी हमें डिस्कस करना और अगली क्लास में हम एक और चीज़ पढ़ेंगे कि नेहरू के बाद जो टाइम पीरियड हमें दिखाई देता है नेक्स्ट हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे उनके टाइम पीरियड में क्या पॉलिसीज एग्जीक्यूशन हो रहा था वो सब हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा बस इतना दिमाग में क्लियर रखो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में चैलेंज था हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग क्या हो उसके लिए हमारी प्लानिंग कमीशन काम कर रही है नेशनल डेवलपमेंट कमीशन काम कर रही थी उस समय पर और जो फाइव ईयर प्लान थे उसमें दो चीजों पर ज्यादा फोकस था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं कब डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा कब इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा और अभी हमने एग्रीकल्चर वाला क्लियर कर लिया यहां तक ही है बस ठीक है फार्मर्स के बारे में यही तक था इनिशियली कि नेहरू के प्रधानमंत्री क्या क्या किया गया तो जो बेसिक है वो ध्यान रखना है कि जमींदारों का उन्मूलन करने का काम किया जाएगा चकबंदी कानून हदबंदी कानून लिया जाएगा और किसा, किसानों को कैसे मजबूत करना उस पर भी काम किया गया किसानों को मजबूत करने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन लाया जाएगा ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन में तब तक अपना ध्यान रखिए रिविजन करते रहिए कोई भी डाउट हो आप कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट ले लूंगी और एक क्लास और है उसके बाद से आपका स्पेक्ट्रम एंड हो जाएगा ठीक है मिलते हैं सेशन में कुछ इंफॉर्मेशन के साथ थैंक यू